ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي आउस आउस रहीम तमाम आज के प्रोग्राम का आपको नोटिफिकेशन मिला और हमारे आज के प्रोग्राम का आपको टाइटल और कुछ इसके नोयत के बारे में बताते चलते हैं जमात खाने में इमाम की तस्वीर उसका रथ यानी की ये हम हमने एक पेज है बहसल हिकमा नाम का पेज है इस्माइली इसमाइली खाना हिक्मत, इनका एक ऑर्गेनाइजेशन रह चुकी है जो कि 42 नंबर पर इस्माइलियों इस की जो बैंड ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि इसको पाकिस्तान में बैन किया गया है इसकी तमाम अशात को इसकी तमाम पब्लिकेशन को पाकिस्तान में रोका गया इसकी तालीमत को बहुत ही कंट्रोवर्शल माना गया इनके जो सबसे बड़े थे नसीरुद्दीन नसीरुद्लहजाई की तालीमत को बहुत ही ज्यादा कुफ्रिया और बातिल माना जाता है इन्हीं के एक जो है पेज पर कुछ सवाल के जवाब यानी कि सवाल भी ये खुद करते हैं और जवाब भी खुद देते हैं इसके बारे में आज का प्रोग्राम रहेगा मौलाना कासिम हमारे बीच मौजूद है जो कि हमें इन तमाम जो जवाब इन्होंने दिए हैं उसका कुरान और सुनत की रोशनी में हमें प्रॉपर जवाब देंगे लेकिन जो इस इमाम की तस्वीर के मुतालिक जो इस्माइली जमात खाने में होता है और आप सबको जो इस्माइली हैं और इस्माइली रह चुके हैं दोनों ही जानते हैं जरा सा आप लोगों को कुछ रिकैप दिखाते हैं कुछ आपको बताते हैं कि इस इमाम की तस्वीर कहाँ और किस तरह लगाई जाती है और उसकी क्या अहमियत है अपनी स्क्रीन पर मुहाजा फरमाइए जी ये आप देख सकते हैं कि ये एक प्राइवेट क्लिप बनाई गई थी एक शॉप की जहां पर इनके इमाम की फोटो के साथ साथ आप देखें कि किसी हिंदू भगवान की भी चीजें दोबारा से रिकैप करवा देते हैं ये जरा देखिएगा कि इमाम इनके आगा खान जो है इनकी पिक्चर के साथ साथ ये इनके हिंदुओं के भगवान की भी फोटो साथ साथ लगी हुई है यानी कि कोई इनका कंपेरिजन चल रहा है इसके साथ अगर आप देखें तो आपको कुछ इस तरह की बहुत ही कॉमन फुटेज आपको नजर आएगी इस्माइली जमात खानों की जो वीडियोस है वीडियोस हैं या पेजेस हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा शेयर की जाती है इसका बैकग्राउंड में एक म्यूजिक भी है लेकिन वो मैंने बंद किया है क्योंकि आपको पता है कॉपीराइट प्रॉब्लम आ सकती है इसके अलावा मेरे पास जापान का जमात खाना है उसकी एक फुटेज है वो मैं आपको दिखा देती हूँ जी ये इनके जापान का एक जमात खाना है और किसी ने प्राइवेट अपने मोबाइल से ये फुटेज बनाई है ये देखिए ये जमात खाने का लेटर इस पे ये देखिएगा इस पर ताकि कोई ये ना कहे कि ये गलत है और ऐसा कुछ भी नहीं है ये बाकायदा लेटर लगा हुआ है नोटिस बोर्ड पे उसके बाद ये अंदर स्टार सिंबल्स कुछ इस तरह का एक टेम्पल टाइप का लुक आ रहा है ये इनके इमाम की फोटो अंदर मौजूद है ये मुरीद जो खातिन है जापान में है इनका ये जमात खाना ये फुटेज आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे और उसके अलावा इस्माइली पेजेस पर भी मिल जाएंगी जी। ये खुशहाली लिखा हुआ है अब इसके बाद हम आपको एक और फुटेज दिखाते हैं ये इनके इमाम की फोटो की कितनी अहमियत होती है और किस तरह ये अपने इमाम को डिफरेंट चीजें करके गैर इस्लामी है बिल्कुल जाहिर सी बात है जो मुसलमान है वो जानते हैं लेकिन ये पिक्चर को बाकायदा की बलाएं उठाई जा रही हैं उसका ऊपर से पैसे वारे जा रहे हैं तो ये सब बातें करने का मकसद ये सिर्फ आप लोगों को थोड़ा सा बताना है इसका बैकड्रॉप कि ये इस तरह की चीजें होती है काफी इस्माइली डिनाई करते हैं कि हमारे जमात खानों में ये सब कुछ नहीं होता आइए उनसे पूछते हैं जो इस्माइली रह चुके हैं और इन सब चीजों को अपनी आंखों से देखते आए हैं हम अजीम खोजा साहब से गुजारिश करेंगे कि वो कुछ उस वक्त में जब ये इस्माइली थे उस वक्त के हालात और बाकियत हमें बताएं और अब क्या चेंजेस आ गई हैं जमात खाने में तस्वीर से रिलेटेड असलकुम अजीम भाई वालेकुम वालेकम व बरकातहू जी सिस्टर वो हमारे जमाने में तो हमने पहले देखा था कि तस्वीरें सामने हुआ करती थी उसके बाद एक न मालूम क्या हुआ हम तो उस वक्त में काफी छोटे थे लेकिन सामने की तस्वीर का हमने भी दीदार किया हुआ है कि तस्वीर सामने होती थी और जमात खाने में उन आगा खान की फोटो के सामने जो है वो सिज़दा किया जाता था तो ये चीजें तो काफी लोगों ने देखी है बाद में कुछ कॉन्ट्रवर्सीज हुई और बहुत सारा प्रेशर आया तो लोगों ने जो है वो तस्वीर साइड में कर दी और अच्छा। उस वक्त में भी जो है बहुत सारे इस्माइली जो है वो इस बात से नाराज थे हमको अभी भी याद है कि इंडिया के अंदर मुंबई के अंदर जब हम थे तो बम्बई में बाजबता बहुत सारे लोगों ने इस बात के ऊपर झगड़ा भी किया कि भाई बापा की तस्वीर सामने से साइड में क्यों आ सकती है नहीं आना चाहिए और काफी दिनों तक जो है ये कॉन्ट्रावर्सी चली और आपस में बहुत सारे झगड़े भी हुए काउंसिल के साथ लोगों की बहुत सारी बहस भी हुई और ये सारी चीजें होती असल में होता क्या है कि ये जो तस्वीर जो है ना वो एक तरह की ब्रांडिंग है पैसे कमाने के लिए जैसे एडवरटाइजमेंट होता है उस तरह से ये जो है ये एक ब्रांडिंग हो रही है आगा खान साहब की के हर जगह पे इनकी तस्वीर को जो है वो लगाया जाता है चाहे वो किसी भी आ, आप किसी भी इस्माइली की दुकान पे चले जाइए आपको आगा खान की तस्वीर मिलेगी किसी भी इस्माइली के घर पे चले जाइए आपको आगा खान की तस्वीर मिलेगी यहाँ तो तक के अगर किसी की शादी होती है तो शादी का जो स्टेज होता है रिसेप्शन के ऊपर जब स्टेज बनाया जाता है तो उस स्टेज के ऊपर भी जो है डेकोरेशन के बीच में आगा खान की तस्वीर लगाई जाती क्या बात है यहाँ पर भी इसको नहीं छोड़ा जाता है बाजबता हमने खुद ने लगाई हुई है अपने हाथों से ओके ये मैं सुनी सुनाई बातें नहीं कर रहा हूं बल्कि हमने खुद ने करी है कि डेकोरेशन होता है और हमने खुद ने आगा खान की तस्वीर जो है स्टेज के ऊपर लगाई है ताकि नए दुल्हन को जो है किसी की नजर ना लगे अच्छा सही। ये इतना कॉन्सेप्ट इनका बनाया गया है और दूसरी बात ये है कि तस्वीर का मामला देखिए इस्लाम के अंदर जो है तस्वीर तस्वीर को तो बिल्कुल हराम करार दिया है कि जिस घर के अंदर तस्वीर होती है उस घर के अंदर रहमत के फरिश्ते नहीं आते बिल्कुल सही लेकिन इस्माइलिज्म को जो है इस्लाम से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है ये सिर्फ नाम इस्लाम का यूज करते हैं और खुद को अपनी मर्जी के हिसाब से चलना है और आगा खान की तस्वीर को इतना रच, रच बस, रचा बसा दिया गया है इस्माइली के जहन के अंदर उनके दिलो दिमाग के अंदर कि ये लोग जो है यानी कि हम जब किसी से बात भी करने जाते हैं तो कोई कोई गुजराती होता है तो वो कहता है कि हम हम पूछते हैं कि भाई कैसे हो तो वो तस्वीर की तरफ हाथ करके कहता है कि मौला की मेहरबानी है सही। तस्वीर की तरफ हाथ करके कहता है कि मौला की मेहरबानी यानी कि उसको होल एंड सोल ऑथॉरिटी अल्लाह की नाउस बिल्ला बिल्कुल अल्लाह की जगह पर जो है इमाम को रखने के लिए ये लोग तैयार हो गए इतना इसको ब्रांडिंग किया गया है इतना ब्रांडिंग किया गया है कि आदमी का मैं तो ये भी बोलूंगा कि दुआ के अंदर जब पढ़ते हैं ये लोग दुआ पढ़ते हैं उसके अंदर हर पाठ में पढ़ते हैं अल्लाह का सुजुदी वता इसका तर्जुमा यूं होता है कि मेरा सजदा और मेरी इबादत और मेरी बंदगी सिर्फ अल्लाह के लिए है इसका तर्जुमा ये होता है लेकिन मैं इस बात को गारंटी के साथ बोलता हूँ मैं भी इस्माइली रह चुका हूं, मैं भी जब इस्माइली था और जब मैं एक सजदा करता था तो ये मेरे दिमाग के अंदर जब मैं ये पढ़ता था कि अल्लाह का सुजुदी वत आती तो मेरे दिमाग के अंदर सिर्फ और सिर्फ आगा खान की तस्वीर आती यानी कि बिल्कुल अल्लाह की जगह पर इसको इतना खड़ा कर दिया गया है और इतनी ब्रांडिंग कर दी गई है इतनी ब्रांडिंग कर दी गई है कि कोई जगह आपको ऐसी नहीं मिलेगी कि जहां पर आगा खान का तस्वुर ना हो जिस तरह से हिंदू लोग जो है नॉन मुस्लिम जो है वो अपने भगवानों की तस्वीर लगाते हैं और उनको अपना मुश्किल खुशा मानते हैं ठीक उसी तरह से जो है ये इस्माइली लोग कहते तो है कि हम अल्लाह को अल्लाह को मांग अल्लाह को मानते हैं और अल्लाह से हम मांगते हैं लेकिन असल में जो है ये सीधा का सीधा कॉन्सेप्ट के साथ कनेक्ट होकर उनके दिलों के अंदर इस बात को उतारी गई है कि ये इस्माइलिज्म जो है इस्माइली लोग जो है उनका करता धरता उनका हाजत रवा उनका मुश्किल खुशा वो जो है सिर्फ और सिर्फ आगा खान है हाजिर इमाम है ठीक अच्छा अजीम भाई जैसे आपने कहा कि ये हर चीज को आ, इमाम के साथ बरकत के लिए जो आपने कहा कि शादी पर भी दूल्हा दुल्हन को जो है वो कोई बुरी नजर ना लगे तो क्या ये एज अ सिंबल यानी के एक नज़र भट्टू की तरह लगाया जाता है कि नजर ना लगे या इमाम की बरकत रहे इसीलिए ये फोटो अपने दुकानों में अपने घरों में इसके अलावा ये शादी ब्याह के मौके पर ये मतलब आप ये बताना चाह रहे हैं जी बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि जब देखिए जब कोई मुसलमान होता है तो उसकी दुकान में आप जाओगे तो आयतुल कुर्सी लगी हुई होगी छोटी सी या काबा शरीफ का दरवाजा वहां पे लगाया होगा किसी ने या तो किसी ने बिस्मिल्लाह लिखा होगा किसी ने ला इलाहा इल्लल्लाह या कोई भी अरबी कोई छोटी सी कुरान की कोई छोटी सी आयत लगी होगी क्यों रखते हैं कि भाई ये जो है इसके जरिए से जो है हमारे दुकान के अंदर कारोबार में बरकत हो किसी की बुरी नजर न लगे बहुत सारे इसके वो होते हैं ये आगत ये इस्माइली लोग जो है तो इनकी तस्वीर रखते हैं तो इसका मकसद यही है कि भाई इनको जो है इनके कारोबार को किसी की नजर न लगे और दूसरा एक यूनिटी के लिए भी ये लोग लगाते हैं कि एक यूनिटी है हमारी कि हमारे पास यूनिवर्सल आजकल तो पहले तो जमाने में तस्वीर अलग अलग हुआ करती थी आजकल के जमाने में जो है वो तो इतना मॉडर्न कर दिया है कि एक ही तरह की तस्वीर जो है वो हर इस्माइली की दुकान और घर में लगी बिल्कुल और मैं यही एक चीज सोच रही थी कि जहां पर भी मैं जमात खाने की पिक्चर को यानी कि जो लगी हुई होती है उसको देखो तो मुझे देखे जैसे ये इन्होंने लगाई है तो ये भी वही पिक्चर जिसमें आ खान ने कैप पहनी हुई है अगर हम ये झूले वाली पिक्चर भी देखें तो ये भी कैप वाली है अगर ये औरतें जो आप देखें कि ये पूजा कर रही हैं तो इसमें भी आप देखें कि इसमें भी वही कैप वाली फोटो है तो ये तो आपकी बात बिल्कुल हंड्रेड परसेंट आपने सही की और मुझे हैरत हो रही थी कि ये एक तरह का ही क्यों इमाम के पोर्ट्रेट को वर्शिप किया जा रहा है इसमें वेरिएंट क्यों नहीं है तो आपकी बात बिल्कुल सही आपने कहा यूनिटी के लिहाज से आगे भी हम यहाँ पे चलते हैं और भी हमारे रिवर्ट भाई हैं यहाँ पे कुछ कॉमेंट्स भी आए एक हमारे भाई है उनका फेसबुक यूजर लिखा हुआ आ रहा है और उन्होंने कुछ इस तरह का कमेंट किया है मैं पढ़ नहीं सकती क्योंकि शर्क है आ, लेकिन अगर ये इस्माइली है तो ये आपको फर्क कर रहे हैं। और अगर कोई झूठ कोई बोल के इस्माइली बन के ये लिख रहा है तो उसको आके बिल्कुल फेस टू फेस को आकर बात करनी चाहिए यहाँ पे हम जो है अः भाई से जो तो हमारे नू, नूरला भाई हैं इनसे पूछते हैं कि आपको मैंने कुछ दिन पहले दिखा कि वो एक पेज था खोजा बिजनेस ग्रुप में वहाँ पे आप रेट्स पूछ रहे थे कुछ कुछ चीजों के उसका जरा बताइएगा कि क्या मामला था बिल्कुल बिल्कुल जैसे अजिमां ने बताया कि घरों में तस्वीर तो होती है आगा खान की जमात खाना में भी होती है लेकिन अभी ये हद हद हो गई कि जमात खाने के अंदर जो तस्वीर जो रखी होती है ना जो ये तस्वीर करते हैं उसके अंदर भी आगा खान की तस्वीर मौजूद है अच्छा। यानी कि अगर इसका ऑक्शन होता है ये तस्बियों का आ, इसमाली सेंटर्स में जमात खाने के बाहर स्टॉल लगा दिया जाता है बड़ी बड़ी, बड़ी मजालिसों में नवरोज के दिन या फिर इमाम के बर्थडे के दिन बाहर स्टॉल लगा दिया जाता है वहां पर बहुत सारी तस्बियां होती हैं वहां पर उस उन तस्बीयों में आगा खान के फोटो जो भी तस्वीर में होते हैं वो बड़ी कीमत पर बेचे जाते हैं जैसे यूएस में कोई सौ डॉलर में बेचेगा यूरोप में सौ पाउंड्स में बेचेगा इंडिया में सौ रुपए में डेढ़ सौ रुपए में ऐसा जो है तस्बी बिकी जाती है आगा खान के फोटो के साथ और मैं यहां तो तक कहता के हूँ के जी। 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 जी जी और के... और कैसे कि ये तस्बी खरीदते तो है और साथ में उसको लेकर भी जाते हैं अपने साथ में जहां पर भी ये जाते हैं उनके खिस्से में ये मौजूद होती है और उसमें आगा खान का फोटो होता है यहाँ कि बाथरूम का भी नहीं करते बाथरूम में में भी लेके जाते हैं उसको खिचे में डालकर में तो ये तक ही... सही तो... यानी कि मैंने खुद देखा कि जो खोजा बिजनेस ग्रुप है अगर किसी का जाना हो तो जरा देख लीजिएगा वहां पे कार में रखने के लिए छोटी साइज की इमाम की फोटो आप लोगों को मिल जाएंगी इसके अलावा तस्बी है इनकी स्माइली छोटी तस्बी है तीस तैतीस दानों वाली उसके अंदर भी एक पेंडेंट टाइप का बना हुआ है और उसके अंदर भी इनके इमाम की फोटो है करने का मकसद हमारा यही था कि हम ये बता सकें कि जो है वो ये सब कर रही है करती आई है और पहले भी करती थी एक वाकया भाई अगर बता दे। दें कि सऊदिया का वाक्य था जी बिल्कुल ये सऊदी अरेबिया में इन्होंने इसमायलियों ने छोटा सा बनाने की कोशिश की थी जमात खाना बना भी लिया था छोटा सा चीज और उन्होंने वहां पर ये 1980 की बात में बता रहा हूँ आपको गुजरात समाचार में आपको ये आर्टिकल मिल जाएगा और वहां पर 1980 में क्या हुआ कि ये लोगों ने जमात खाना बनाया वहां पर क्या किया कि आगा खान की पूजा शुरू कर दी आगा खान की इबादत वहां शुरू फोटो रख के वहां शुरू कर दी इबादत तो वहां की अथॉरिटीज को पता चला भाई ये तो शिर कर रहे हैं ये तो इस्लाम जायज नहीं है ये तो मुसलमान नहीं है तो वहाँ पर जो है कम्प्लेन हुई उसके बाद वो जमात खाना बंद किया गया और ये सारी चीजें वहां पर बंद की गई और ये छोड़ाने में ये सारे मकसद को ये पूरा करने में जो है अथॉरिटी अथॉरिटी छो, से छोड़ाने में सदरुद्दीन जो एक इस्माईली मुरीद हैं उनका उसमें यूएन यूएन में काम करते हैं उनका इसमें हाथ था कि भाई ये आगे से नहीं होगा हम माफी चाहते अच्छा उनको थोड़ा लिया था बिल्कुल सही है सदर उद्दीन ने यूनाइटेड में काम करते थे रियाद में 1980 के अंदर जमात खाना था और वहाँ पे आ खान की फोटो रखी वहां पर उनकी पूजा की जाती थी आपको पता है कि सऊदी अरब में बहुत सख्ती होती है इस बारे में तो उनको पकड़ लिया बल्कि वहाँ तो आपको पता है बीहेडिंग भी हो जाती है इस कामों पर बहुत बहुत शुक्रिया नूरला भाई आपका आपने हमें बहुत जो है वो वैलिड इन्फॉर्मेशन दी और बाकायदा ये सब इस बारे में सब कोई जानते हैं थोड़े से कॉमेंट्स पढ़ने के बाद मेन प्रोग्राम के हिस्से में आ जाते हैं और हम अपने मौलाना कासन से भी इनका इंशाल्लाह रुजू करते हैं कुछ कमेंट्स इसलिए जरूरी हो गए कि एक भाई ने रिक्वेस्ट की है यहाँ पे कि अलीना बहन आपके तवस्त से आफताब साहब से एक सवाल है ये आ, अपने आप को एक इस्माइली कहकर प्रमोट कर रहा है हालांकि उनकी जमात को जमात खाने जाने की पाबंदी थी कुछ साल पहले तक जी ये खाना हिकमत की बात कर रहे हैं मैंने आपका जो क्वेश्चन है स्क्रीन पर भी काफी देर अभी मैं इसको ऑन ही रखती हूँ ताकि उन तक ये बात पहुंच जाए वाकई में हमारा जो आज का टॉपिक है वो बहसल हिकमा के नाम से ये पेज है और मैं जरा स्क्रीन पे इसको दिखा दूर इसका जो ओनर है जो इस पेज को चला रहा है उसका नाम है जावेद इकबाल खान नजारी इनसे अकबर खोजा की डिबेट हुई डिस्कशन हुआ और आप वो अकबर खोजा के चैनल पे वो डिबेट सुन सकते हैं जावेद इकबाल खान नजारी ने यही जवाबात जो आजकल वो अपने पेज पर डाल रहे हैं अकबर खोजा के साथ डिस्कशन किया और वहां से ये फरार थे उसके बाद उन्होंने अपने कुछ चंद साथियों के साथ जिसमें खाना हिकमत के बाकी लोग भी शामिल हैं नाम हम उनके बाकी को तो नहीं लेके लेकिन जा, जावेद इकबाल खान नजारी जो है उन्होंने डिक्लेयर किया था मेरे सामने कि ये इस पेज के ओनर हैं ये उनका फोन नंबर है कोई सवाल हो तो उनसे कर सकते हैं जावेद इकबाल खान नजारी ने फहसल हमा नाम का पेज बनाया है इस पेज पर क्या हो रहा है इस पेज पर ये हो रहा है कि इसमें जो है वो इस्माइली जमात को तैयार किया जाता है कि कैसे वो सुनी मुसलमानों के साथ और दूसरे जो हमारे मुसलमान हैं उनको किस तरह अपने मजहब के बारे में बता सकें मैं स्क्रीन पर आप लोगों को थोड़ी देर में इस पेज का रिकैप भी दिखाती हूँ जब मौलाना कासिम जो है वो बात करेंगे इस पर क्वेश्चन है क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ताकि मौलाना कासिम से बात की जाए सवाल खुद ही लिखा है इनके पेज पर सवाल सवाल कुछ इस तरह है, है नंबर इमाम इमाम जो हाजिर और मौजूद है तो फिर तस्वीर जमात खाना में क्यों रखी जाती है क्या ये बुत परस्ती नहीं और उसका जवाब काफी लंबा है सिर्फ सरसरी सा बता देती हूँ कि इसमें कहा है कि पहला जवाब तो मंत्र की है दूसरा दुरुस्त है और उसकी ताबील कुछ वो इस तरह बयान करते हैं कि इमाम तो अल्लाह का ज़िंदा इसम है यानी यानि अलयुल्कयम है और जिस तरह अल्लाह के नाम के हरूफ जो है वो बेमायनी नहीं हो सकते अलिफ लाम हा जो है वो खुदा तो नहीं पर अल्लाह के इशारात हैं इलामात इल हैं इसी तरह जो फर हम हज पर जाते हैं तो उसके साथ सुतून है और हर किसी के ज़ाहरी आदाब है और वह बुत परस्ती की ज़ाहरी तो लगता है कि ये बुत परस्ती है मगर हकीकत में ये बुत परस्ती नहीं होती ये तो आया भी भी शायर है और इमाम की शायर है।, उन्होंने आगे इस बात को साबित किया है लिहाजा इमाम जमान की तस्वीर काबिल एहतराम है उसको रखने में इनका कोई कबाहत नहीं ये सवाल है और अब हम मौलाना कासिम से रजू करते हैं और पहला सवाल में मौलाना कासिम से करना चाहूंगी ना ना कासिम ये जो इनका सवाल का पहला हिस्सा है कि कुरान यानी कि खुद ही कह रहे हैं और खुद ही उसको साबित भी कर रहे हैं कि इमाम हाजिर और मौजूद है और ये इन्होंने हमारे मुंह में लुकमा देने की कोशिश की और क्या तो इसी पे मेरा सवाल ये है कि कुरान और हदीस की रूह से अल्लाह के सिवा कोई और भी क्या हाजिर और नाजिर हो सकता है जिस तरह ये बयान करके और उस पर मुहर लगा दी इस पे जरा वजाहत कीजिएगा बाद फिर सवाल के अगले हिस्सों चलते हैं। करीम अमाबाद इन्होंने पहले सवाल में एक दावा किया ना अपनी तरफ से दावा बिला दलील कह सकते हैं कि हाजिर इमाम इमाम हाजिर मौजूद तो है इसकी तस्वीर ले आना क्यों गलत है इसका जवाब दिया है हाजिर मौजूद है कहा, कहा, कहा कि इस पर कोई बात कहने की जरूरत नहीं है यह गैर मंतिकी है भाई यही तो असल मंतिक है इसको छोड़ के आप किधर जा रहे हैं हाजिर मौजूद तो आपका दावा है ना ऐसा दावा है बिला दलील है ये दावा आपने की है इसकी कोई दलील भी नहीं दी इस पे हम देखते हैं कि अल्लाह सुबहान तला के अलावा कोई हाजिर नाजिर हो सकता है हाजिर का मतलब मौजूद हाजिर का माना कि यहाँ शख्स मैं अपने कमरे में टेबल में यहाँ मौजूद हूँ और नाजिर का मतलब यह है कि मौजूद होकर देख भी रहा हो इसको हाजिर मौजूद ये लफ्ज इस्तेमाल होता है हाज मौजूद भी हो देख भी रहा हो यह सिफत हाजिर मौजूद का अल्लाह सुबहान तला की जात के लिए आता है कि पूरी दुनिया पूरा रू आलम कायनात मुकम्मल कायनात उसके सामने ऐसा है जैसा कि हमारे सामने हमारा कफ दस्त हाथ जैसे हम अपने हाथ के सामने हाजिर है एक वक्त में इसको देख रहे हैं रूए कायनात अल्लाह सुबहानुला के सामने ऐसा ही है अल्लाह सुबहान उसको नाजिर भी है हर आन हर लम्हा हर साथ और उसके सामने दुनिया कायनात इसी तरह मौजूद भी है तो ये सिफत सिर्फ अल्लाह सुबहान की की है इसका कोई भी मुसलमान फिर इसके कायल नहीं है जैसे कफ दस्त को देखता है ना इंसान अल्लाह सुबहाना रूए कायन को इस तरह देख रहा है इसके साथ कोई नबी फरिश्ता रसूल जिन किसी का कोई फिर भी कायल नहीं है हमारे यहाँ मुसलमानों में मुख्तलि मसालिक के ये अकीदे है किसम को हो जाता है लेकिन उनका दावा भी ऐसा नहीं है जैसे कि हाजिर नाजिर अल्लाह सुबहान के लिए है उनको इलम पहुंचाया जाता है उसको अल्लाह सुबहान ऐसे जरिए से कह रहे हैं अब आता हूं इस सवाल के जवाब की तरफ कि कुरान हदीस में हम देखते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई हाजिर नाजिर हो सकता है क्या गैब को जान सकता है कोई जहां पर वो मौजूद ना हो या वो वहां पर हाजिर नाजिर हो सकता है सबसे पहले आजम से लेकर रसोलम तक सब के बारे में कुरान में आयत मौजूद वाक से पहली सलाम और, और सुबहान मारे कि हमारे भेजे हुए फरिश्ते आए इब्राहिम के पास उनको खुशखबरी भी सलाम किया उनको जैसे ही फरिश्ते आ गए इब्राहिम चूंकि इंसानी शक्ल में आए थे इब्राहिम ने समझे कि अच्छा कोई मेहमान आए है उनको कमरे में बिठाया फौरन जाकर फजा अब अजलिन हनीफ फौरन जाकर उन्होंने बचिया जबह करके उसको बुन कर लाया आपको पता है फरिश्ते खाते नहीं उन्होंने नहीं खाया इब्राहिम आलम घबरा गए उस वक्त किसी को खाना पेश किया जाए वो न खाए वो इस बात की अलामत थी कि बंदा नुकसान पहुंचाएगा दुश्मनी के तौर पर आया है वो फिर खाना नहीं खाता था घबरा गए कि कोई मुझे नुकसान न पहुंचाए उन्होंने कहा कि इब्राहिम आप इत्मीनान रखें हम अल्लाह की तरफ से भेजे हुए फरिश्ते हैं देखिए इतने अजीम शान नबी जिनको इस्माइली इमामत का दावा भी जिनके लिए करते हैं वो तो नबी थे नबी इमाम होता है वो हमारे भी इमाम है उसको मानते हैं लेकिन इनको पता नहीं था कि मेरे पास जो दो आए हैं ये फरिश्ते हैं ये इंसान नहीं है पास आने के बावजूद भी मालूम नहीं होता है अगर वो हाजिर नाजिर होता भेजते वक्त आते वक्त जाते वक्त आ, आ गए फरिश्ते सब कुछ पता हो चल लूतम के बारे में सिर्फ आयत का नंबर बता देता हूँ वलकत जात रुसुलना लूतन वबा का ये सुरहूत आयत नंबर सतहत्तर है फरिश्ते लूतम के कौम लवातत में मुबलाती उन पर आजाब नाजिल करने के लिए आए खूबसूरत लड़कों की में। तो लूत साम घबरा गए कहा कि ये उनके कौम में तो ये, ये बीमारी थी कौम का दौड़ कर, कर आई उनकी तरफ उन्होंने कहा कि ये मेरे कौम के लोगों में कौम की बेटियाँ मौजूद है उनसे तुम अपनी हाजत पूरी करो मेरे मेहमान है इन मुझे रसुआ न करो यहाँ पर फरिश्तों ये फरिश्ते हैं इनके अलैहि सलाम को इल्म नहीं हो सका जब तक उनको बताया न गया आते ही सलाम सूरह यूसुफ आयत नंबर आठ से लेकर तेरह तक वहां से लेकर आगे तक इन सब आयतों में यूसुफ अलैहि सलाम के भाई प्लानिंग कर रहे यूसुफ अलैहि सलाम को कत्ल करने के लिए या उसको कहीं दूर करने के लिए अब्बू से कि अब्बू इनसे मोहब्बत करते उनकी मोहब्बत हमारे लिए खालिस हो जाएगी जब प्लानिंग किया याकूब अली सलाम को प्लान का पता नहीं चला और यूसुफ अली सलाम को लेकर गए वो ले जाकर क्या किया कुएं में डाल दिया जंगल में ले जाकर कुएं में डाल दिया वो कुएं में कई अरसा ठहरे रहे याकूब अली सलाम गाँव में उनको याद करके रो रहे लेकिन ये नहीं हो सका अगर नबी को वो वहां हाजिर नाजिर होता तो यूसुफ असलाम के लिए रस्सी डाल के उसको डोल में बैठा के बाहर निकालते लेकिन किन आन में ही पास ही पास तो ही कुए में थे पता नहीं चला तो वो शेख सादी रही है बड़े वो शेर व शायरी करते हैं वो तो एक जगह फारसी में इसी वाकये को जिक्र किया है कि यके पुरसीत अजा गुम कर दफरसन जे बुए पैर हन सुनी दी चिरा जर दर चाहे किन आनश न दी, दी। कहा के उनसे कहा गया कि जब अल्लाह तो सूंखाता है तो मिस्र से भी आपने उनका खुशबू सूखा लेकिन आपके पास किन आंख के कुएं में इतने दिन पड़े ठहरे रहे आपको क्यों पता नहीं चला ये यो शायर एक अंदाज में अल्लाह के पैगाम को रसानी का जिक्र फरमा रहे तो बहर हाल यहाँ भी उनको हाजिर नाजिर होते वो इतने जलील कदर नबी थे वो खुद ही देख कर उनको निकाल लेते हैं ये अभी है को देखे मूसा सलाम भी हर जगह हाजिर नाजिर नहीं थे इनका बड़ा वाकया है कफ में ये चलते हैं एक बंदे की तलाश में कि भाई फलान जगह जाओ और उनकी अलामत बता दी एक मछली लिया ये मछली जहाँ जिंदा होकर दरिया में उतर कर चले जाए ये पूरा वाकया कुरान में मौजूद है वहां वो बंदा मिलेगा इत्फाक से वहां एक जगह ठहरे मछली निकल कर समंदर में चली गई और वो अपने खादिम के साथ आगे चल दिए चल दिए एक जगह आकर कहा कि हम तो सफर से थक गए हैं तो खादिम ने बताया अच्छा मैं भूल गया आपको बताना आप सो रहे थे मजली तो फलान जगह निकल के दरिया में चली गई थी तो फिर अब वापसी अपने कदम के निशान पर कही वो जगह मिस ना हो जाए मजली का चले जाना खिजर का उस जगह मौजूद होना इन सब चीजों का सलाम को कोलम नहीं हो सका क्योंकि वो हाजिर नाजिर नहीं थे बहरीन का उनको पता नहीं चला इसी तरह हम देखते हैं हजरत आ, नमल का जो वाक्य आता है सुलेमान सुलेमान सलाम के वाकये में सूरत नमल में काफी तफसील है एक दिन उन्होंने सबको बुलाया था हुदहुद हुद नहीं था मौजूद नहीं था कुरान में आता है वैर फकाल कहा कि मुझे क्या हुआ आज मुझे हद हद नजर नहीं आ रहा है वो मुझे नजर नहीं आ रहा है या वो गैर हाजिर है देखो जरा देख कर पता चला कि हूद नहीं है कहा कि अभी जो कहा कि मैं उसको या उनको मैं है ना कहा कि अपना उजुर पेश किया उनको कहा मैं आपके पास एक खबर लाया हूं क्या खबर है कहा कि एक बहुत बड़ा इलाका है उसमें फलान कौम है बुतप्रस्ती शिरक में मुबतला है और उनके ऊपर एक उनका जो मलका है मल सबा उनके सरबराह मुमलिकत है ये सब कहा तस्दीक करने के लिए दोबारा भेजा हुद हुद को कुछ देकर वो तस्दीक हो गए कि अगर ये तस्दीक नहीं हुआ मैं इनको सख्त देखिए ये सब में से मौजूद है इनसे पता चलता है कि ये तकरीबन सूरत नमल आयत नंबर बीस इक्कीस बाईस सत्ताईस अट्ठाईस तक ये वाक्य है इन सबसे पता चलता है कि ये जो इतने बड़े अजीम शान पैगम्बर थे ये इनको भी का नहीं पता चलता था गैब का नहीं पता और ये खुद वहां हाजिर नाजिर नहीं होते थे। आगे बढ़ते हैं रसोल रहा सूरत आयत नंबर पचास में अल्ला ने रसुल्ला कौल कुरआन में नकल फरमाया बल्कि उनको हुक्म दिया

आप कह दीजिए कि ला या कोई नहीं जानता है आसमान और जमीन में क्या क्या चीजें हैं आसमान और जमीन में अलगैबा गैब को कोई किसी गैब को नहीं जानता है सूरतरात नंबर वन एटी एट एक 188 उसमें फरमाया है कुल कह दीजिए लाफिन मैं अपने नफ्स का भी किसी नफा नुकसान का मालिक नहीं इल्ला माशा मगर जो अल्लाह चाहे नफा नुकसान मुझे बताए उसी को मैं जानता हूँ आप गैब को जानता लस तक सर तुम खैर तो मैं अपने लिए हमेशा खैर ही करता खैर के काम ही अपने लिए करता अच्छाई भलाइया ही समेटता फायदे की चीजें मुझे कभी तकलीफ ना पहुंची इन नजीर हूं बशीर मैं तो खबरदार करने वाला खुशखबरी देने वाला हूँ देखे ये कितनी अहम बात कही रसोलम की, की जिंदगी में बहुत सारे तकलीफात मसाह आए वो फरमा रहे कि अगर मुझे इन चीज़ों का पता चलता मैं वहाँ हाजिर नाजिर होता देखता तो मैं कभी भी मुसीबतों को अपने सर ना लेते तो इसी में चंद वाकियात लेते हैं रसोल्ला स... बुखारी शरीफ के ए, ये किताबलमगाजी के दूसरे हिस्से के अहम वाकया है ये बुखारी में एक जगह नहीं कई एक जगह वा ये वाकया नकल किया गया है और तमाम अहादीस की किताबों में है तमाम तारीख की किताबों में है कुछ लोगों ने आकर बनु आमिर के लोग थे उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त दी कि आप हमारे साथ कुछ कुर्रा कुरान पढ़ाने के लिए कुर्रा को बेच देता की हमारे कौम के लोग मुसलमान होने वाले हो रहे हैं उनको कुरान पढ़ाएंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सत्तर सहाबा को भेजा जो कि कारी थे उनके साथ उन्होंने दगा किया धोखा करके उन सत्तर कुरा को शहीद किया दो बचे थे वो भी ऊंट चराने गए थे वापस आया तो उन्होंने भी एक ने कहा कि मैं तो बस ये ये शहीद हो गए मैं नहीं बचना चाहता वो लड़ाई में उनके ऊपर हमला किया उनको भी शहीद किया गया गलबन एक सहाबा सहाबी बचे थे वो भी जिंदा वापस आए कि नहीं आए तो देखे ये सत्तर सहाबा वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज में कई महीनों तक बल्कि एक महीनों ने चालीस दिन या दो महीने गालबन इतने मुद्दत तक फजर की नमाज में उनके लिए बद करते रहे नाम ले लेकर उनके कबीले के सरदारों के लिए रसूलुल्लाह ने बदुआ फरमाई तो अगर वहां नाजिर हाजिर नाजिर हो अच्छा उनको जब शहीद कर कर रहे थे वो कह रहे थे अल्लाह अल्लाह से कह रहे कि हमारी हाल की खबर हमारे पैगंबर को रसुल्ला को दे दे कि इन्होंने हमारे साथ दगा किया हमें शहीद किया इस बेदर्दी से दस सहाबाई को एक मकाम पर जासूसी के लिए भेजा था ये भी वाकियात किताबुलमगाजी ये तरतीब से सारे वाकयात है ये वीर मऊना का वाक्य भी उसके बाद इसका भी जिक्र है उन दस सहाबाई क्राम के साथ भी गद्दारी की जो कबीले थे उनको पता चला वो पीछे से चले गए और वो पहाड़ के चोटी पर जाकर मुकाबला किया साथ ने कहा कि भाई हम तो कबूल नहीं करेंगे आपकी पनाह में नहीं आएंगे इन्होंने कहा था हम पनाह देंगे उतरो वो तो शहीद हो गए तीन को इन्होंने गिरफ्तार करके एक को उधर ही शहीद किया दो को ले जाकर भेजा उन लोगों को जिनके साथ बदर में लड़ाई हुई थी उन्होंने खरीद के उन दोनों को भी शहीद कर दिया इनके साथ भी दगा हो गई इन पर भी रसोल्लासम को बहुत दुख हुआ इन मामला पर इसके अलावा अगर हम देखते हैं रसोल बदर की लड़ाई में इतने मशहूर वाकिया है गए थे काफिले को पकड़ने के लिए वो जरा रास्ता छोड़कर दरिया के किनारे किनारे निकल गए मक्के की तरफ शाम से होते हुए रसोलम हाजिर नाजिर होते वहां पर वो कहते हैं ये जा रहे मैं देख रहा हूँ इधर से आओ इनको पकड़ते हैं न उधर से काफिला न लड़ाई कुछ भी नहीं होता लेकिन रसुल्लाम को इनका कई एक वाकियात ऐसे हुए पांच छह गजवा ऐसे है कि गए थे लड़ाई नहीं हुई उसमें भी, भी यह है कि या वो मालूम गलत थे या वो कबीला के और निकल गए तो इन सब वाकियात से ये बात सामने आती है कि जब इमाम कायनात कायनात का जो सबसे बड़ा इमाम आजम है और जो है रसुल्ला आ, के बाद कायन में सबसे अफजल तरीन शख्सियत है उनके हालात जिंदगी ये है वो कह रहा है कि मुझे गैब का नहीं है वरना कभी मुझे ये तकलीफ चीजें नहीं आती और नहीं? मैं हर जगह हाजिर नाजिर नहीं हूँ और हजरत आयशा फरमाती है कि, अन्न मा फी आदम कि जो शख्स ये कह दे यह गुमान करे कि मोहम्मद यह जानते हैं कि कल क्या होगा पेशोंगोिया तो पे की गैब तो के तो बातें जो बताई बाद में वो कुर चीजें बताई उनके बारे में कुरान क्या फरमाता है वो गैब की बातें नहीं थी रसलम वो खुद हाजिर नहीं थे उनके तो बारे में मसलन एक दिन पहले फरमाया कि कल अपनी ऊंटियों को बांध दो और खीमों को कस के बांध दो हवा चलेगी और वाकता दिन हवा चली काफरों के ऊंट भी दिख गए उनके जो खेमे थे उखड़ गए मुसलमान सब महफूज रहे तो देखो पहले ही बता दिया हालांकि ये भी तो कल होने वाला वाक था इसी तरह अः ये जो यूसुफ असलाम का सारा वाक है इसके बाद इन वाकियात के बाद सलाम से कुरान में फरमाया जा रहे की गैब ये सब गैब की खबरें हैं नो ही जो हम आपके पास वही कर रहे हैं वही के जरिए आपको बता रहे हूत आयत नंबर उनचास में है ये सूरत यूसुफ एक सौ दो की आयत थी सूरहूत आयत नंबर फोर्टी नाइन में फरमा रहे थे तिल कमिन अम्बा ये सब गैब की खबरें हैं कल क्या होने वाला है बदर में कौन सा काफिर किस जगह मरेगा पहले ही बता दिया स्थिर्ण स्थिर्ण ने। बताया जा रहा है, हम आपको के पास वही के है। का मिन ये जो यूसुफ्लाम का वाक़ है दिगर जितने वाकियात है ना आप जानते थे इनके बारे में ना आपकी कौम ये जो जितनी गैब की खबरें हैं क़ियामत तक आने वाली ये सब चीजें हम आपके पास वही के जरिए भेजते हैं देखिए ये मैंने दलाइल जो के इस बुनियाद पर सामने रखी रसोल्ला है ना अल्लाह के बाद रसोल का ऐसे है कि पूरे कायनात का, का इलम उनके इलम के सामने एक कतरे के बराबर नहीं है जैसे कि समंदर के मुकाबले में एक कतरा है रसोल का इतना है। दिगर अम्बिया कालम उसके बाद फिर ऐसा है कि पूरे कायनात का इलम एक कदरे के बराबर आ, ग, ग, दिगर अम्बिया के दिगर अम्बिया का और पूरे कायनत का मिला के रसुल्लाम के, के मुकाबले में एक कदरे के बराबर है जब उनके पास वो खुद हाजिर नाजिर इन चीज़ों को नहीं देखते थे और खुद गैब का उनको इस तरह डिटेल से नहीं होता था बगैर वही के वही में जितनी बातें गई वो तो गैब की खबरें अल्लाह तबारक वाली ने उस वक्त मुस्तबिल जितनी चीज़ें उनको बहुत सारी बताई गई है बहुत सारी चीज़ों उनको ग़ैब के बारे में अदीज़ के जरिए से बताई गई थी जब वो नहीं है तो फिर उनके घर वालों में से फैमिली मेंबर में से बी हजरत अली या जो है ना रजनैन करीम उसके बाद उनके औलाद सईदात हाशमी जाफ़र अकील जिनके भी रजी के खानदान के अफराद हैं उनके तो पास कैसे गैब कहलम हो सकता है कैसे वो हर जगह हाजिर नाजिर हो सकते हैं ये एक बेकार दावा है यही तो असल मन बात थी जिनके गैर दिया गया तो तो और जो है आ, इन सबसे मैंने मतलब ये सारे कुरान पूरा इस बात पर शाहिद है ना ये सब आपके सामने रखा ये सवाल के पहले जुज का मेरे मेरी तरफ से एक जवाब था चंद अहादीस आयतें और भी मौजूद थी लेकिन इससे ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है माशाल्लाह आपने जो है वो कुरान के वक़ात से ही इस बात पर बिल्कुल वजाहत कर दी कि कोई भी इंसान अल्लाह के सिवा जो है अल्लाह के बाज सिवा कोई भी हाजर नाजर नहीं हो सकता लेकिन मौलाना कासिम कुछ सवालत भी आएंगे जिसमें से एक सवाल तो आपके सामने जब आप इसका जवाब देना चाहें एक भाई ने आपकी बातें सुन के कहा है कि खाना काबा में हजर असवद का फिर क्या काम हो सकता है और उन्होंने एक ने तो ये कहा कि इमाम की तस्वीर हम ना भी रखें इमाम की तस्वीर हमारे दिल में होती है कुछ इस तरह की बातें कुछ उनके अपने अकीदे और इसके अलावा अगर हम स्क्रीन पे दिखा दें खाना हिकमत के हुंजाई अपने इमाम 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 की तस्वीर को सजदा करते हुए ना सिर्फ इमाम, दोनों सुल्तान इमाम सुल्तान इनके जो मोहम्मद शाह थे उनको भी सजदा कर रहे हैं करीम को भी कर रहे जबकि अली सलमान खान इनके इमाम नहीं थे ये उनको भी सजदा कर रहे हैं इसके अलावा हमने कई दफा आपको दिखाया कि इस तरह की पिक्चर्स जो है वो जमात खानों में जमात खानों के बाहर भी शॉप्स में मिलती हैं जिनको खरीदा जा सकता है बड़ी महंगी दामों मिलती हैं जमात खाने के अंदर का व्यू ये देख लीजिए कि हजरत अली के बाद इनके इमाम की फोटो लगी है उसके नीचे कुरान है इमाम की फोटो ऊपर है हजरत अली की पहले नाम है फिर इनके इमाम की फोटो है और उसके नीचे जो है वो कुरान को बांधा गया है पिलर के साथ ये इनके जमात खाने की फोटो है उसके अलावा ये पिक्चर जरा देखिएगा ये इनके खुशहाली का एक प्रोग्राम था एक इंडिया के एक विलेज में आ, इनके इमाम को बाकायदा जिस तरह मंदिर में पुतों को सजाया जाता है उसको कलश रखे जाते हैं उन पर रंगोली की जाती है इसी तरह की ये पिक्चर भी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दू ये पूरी एक मुकम्मल वीडियो है आप लोग यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं इधर भी औरतें सजदा करती हैं झुकती हैं अभी आपको ये वीडियो भी हम दिखा चुके हैं सारी बात करने का ये कि हाजिर और नाजिर ये अपने इमाम को कहते हैं लेकिन पिछले प्रोग्राम में हमने आपको बताया था कि इनके इमाम की हाजिर नाजिर होने की बात को अकबर खोजा ने और मैंने अपनी रिसर्च और जो रिसर्च भी किया जो प्रूफ थे इंटरनेट से न्यूज से हमने उससे साबित किया मौलाना कासिम भी जिक्र कर रहे थे कि कैसे इनके इमाम को एक अंग्रेज ने उल्लू बनाया मौलाना कासिम से वो, जी। वो कोई अंग्रेज था ना कौन से वजीर खारिजा का रूप आ, मास्क पहना था उसने फ्रेंच प्रेसिडेंट का जो है लीडेरियन का मास्क पहना और बंदे का नाम गिलबर्ट गिलबर्ट ना चे, चेकेली चे, कुछ नाम है ना आ, जी, उनका जिन्होंने 20 मिलियन यूरो धोखे से जो है ना वो प्रेसिडेंट का वो मास्क लगाकर कैमरा ऑन करके तस्वीर में आके आगा खान से बात करके उनसे ट्रांसफर कराया इतना कमाल किया इसने और पता नहीं चला कि भाई ये मास्क के पीछे जो बंदा है ना ये कोई और है देखिए दूर से नाजर बिन देखे तो और बंदा लाइन में भी है आवाज भी सुन रहा है तस्वीर भी सामने है फिर भी नहीं पहचान सका और वो बड़े जो है ना फ्रांस की हुकूमत से मिन्नत से वो करा कर उस वो वापस लेने की कोशिश की क्योंकि बैंक से ट्रांसफर होते टाइम लगता है उसमें से कुछ तो वापस ले लिया लेकिन वो वो मिलियन मौलाना देखे हाजिर और नाजर होने के बावजूद पांच ट्रांसफर में से सिर्फ तीन को रुकवा सके वो भी बड़ी मिन्नत समाजत करने के बाद फ्रेंच इंटेलिजेंस को इन्वॉल्व करते हुए तो बिल्कुल सही है यहाँ पे अली भाई हमारे पास आए हैं जी कोई ये कह सकता है ना कि ये हमने कोई अपनी तरफ से किस्सा बनाया है तो भाई बीबीसी उर्दू उर्दू तो हर किसी को पढ़ना आता है ना बीबीसी उर्दू का आर्टिकल्स देख ले वहां सर्च करे इस नाम को और इंग्लिश में बीबीसी में भी और वो बहुत सारे न्यूज पेपर में बल्कि आडियो वीडियो में भी ये वाकई आया होगा न्यूज में भी क्योंकि उन्होंने इनके अलावा बहुत सारे गुजार खारजा सदर और बहुत सारों को उन्होंने लूटा था नहीं, नहीं, नहीं रमोला मैंने तो बल्कि लास्ट प्रोग्राम में बताया था कि 150 लोगों को उसने उल्लू बनाने की कोशिश की थी जिसमें से खाली तीन पर वो कामयाब हो सका और सबसे ज्यादा बड़ी रकम इमाम इनके जो करीम आका खान है इन्होंने ही पे किए और बाकियों के पैसे तो फिर भी वापस आ गए 7.7 पॉइंट मिलियन यूरो वापस नहीं आए तो एक पचास में से ये तीन खुश नसीब थे जो कि जिनमें से सिर्फ एक वाहिद खुद को हाजिर नाजिर कहते हैं और वो उस फ्रॉड के नजर हो गए तो ये बात है हमारी आ, अली भाई आपने हमें ज्वाइन किया है असलाक वरहमत वरक जी अली भाई क्या कहेंगे सबसे पहले तो मौलाना कासिम साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से उन्होंने कुरान और हदीस की रोशनी में जो है इस्माइली हजरत के आखिर बोलने की कोशिश की है और मैं अक्सर कहता हूँ कि मेरे इस्माइली हजरा जो है ना वो दुनिया के मामले में तो बड़ी अक्ल का इस्तेमाल करते हैं लेकिन जहाँ पे बात, बात बापा की आती है वहां पे आंखें बंद कर लेते हैं ठीक <laughs> है अगर ये अपने आप माम को हाजिर नाजिर समझते है वो जमात खान देखे एक प्रैक्टिकल में आपको बात बता रहा हूँ और अगर कोई अक्ल रखता है ना तो डेफिनेटली वो समझ पाएगा ये बात को कि जब जमात खाने के अंदर बाकायदा इस्माइली जो है रोज ये दुआ करते हैं नवजुबिल्ला की या अली या हजर इमाम तू हमारी बीमारी बल्ला आफत दूर कर ठीक है अब ये उसके इमाम को दुआ कर रहे वो भी गुजराती के अंदर ठीक है हमने इससे पहले देख लिया कि उसके इमाम साहब को सामने रहते हुए गुजराती समझ नहीं आ रही और यहाँ बैठे बैठे उसको गुजराती समझ में आ जाएगी ठीक है चलो हाजिर नाजिर उनको नौजुबिल्ला एक टेम्पररी आप समझ लो तो ये बीमारी बल्ला आफत की दुआ कर रहे हैं और इमाम का ये जो तालिका आया इसके पहले वाला तालिका अगर आप देखेंगे तो वो तालिके के अंदर था कि भाई आप लोग जो भी गवर्नमेंट के रूल्स है सोशल डिस्टेंसिंग ये सारी चीजें आप फॉलो कीजिएगा और जो है साथ ही साथ में इमाम साहब ने बताया कि इन वैक्सीन आ जाएगी अगर वो हाजिर नाजिर है हर चीज जानते हैं तो बोलते थे ये दिन को वैक्सीन आ जाएगी और वैक्सीन आने के बाद भी देखिए बेचारे यहाँ पे जमात खाने में दुआ कर रहे हैं कि हे इमाम तू हमारी बीमारी बला फदूर कर इमाम तालिका भेज रहे की इससे बचने के लिए मैंने दो डोज लगवा लिए तुम भी लगवा लो थोड़ी गौर और फिक्र करने की जरूरत है ना जो सलीमा बेगम के फोटोज मैं आपको बता दू कि खाली इमाम के फोटोज सामने नहीं लगाए जाते थे बकायदा सलीमा बेगम के फोटोज भी जमात खाने में लगाए जाते थे और वो सलीमा बेगम सेवेंटी फाइव अरब डॉलर का चुना लगा के चली गई वहां पे इनकी हाजरी नाजरी काम में नहीं आई ठीक है ये थोड़ा गौर करने की जरूरत है ये इसमाइल अब आके नहीं खोलेंगे तो कब खोलेंगे ठीक है वो ये सारी चीजें अगर आप देखेंगे इमाम कॉमी बाप ने बात की ये कोई ये कोई ये कोई जोक्स थोड़ी है ये कोई जैसे इमाम किस्सा कहानियां बनाते हैं वैसे हम तो नहीं बनाते हम तो प्रूफ देते हैं ना अभी मौलाना कासिम साहब ने बोला कि आप उर्दू चैनल चेक कर लीजिए आप न्यूज चेक कर लीजिए ये सारी जो है ये सेवेंटी फाइव थाउजेंड सेवेंटी फाइव मिलियन डॉलर का जो है इवन गुजराती न्यूज के अंदर भी आ गया पेपर के अंदर अगर किसी को कटिंग चाहिए तो वो हम हाईलाइट करेंगे कि ये उसको छूना लगा के गई तो मेरे भाई कब आंखें खोलोगे अब नहीं खोलोगे तो थोड़ा गौर फिक्र करो और ये जो है ना आपकी दुनिया तो खराब हो ही रही है क्योंकि आप अपना ट्वेंटी परसेंट नियर अबाउट दे रहे हो ट्वेल्व पॉइंट फाइव प्लस जमात खाने में दूसरा खर्चा करके लेकिन आप अपना ईमान दे रहे हो जरा सोचो और ये दे जो सच है जो सच है जो हकीकत है उसको घुमाने की जरूरत नहीं रहती आप देखिए उसके हर आंसर ये जो अभी उसने आंसर दिया आपने शो किया उसके अंदर क्या किया उसने घुमाया अरे भाई जो दूध है तो दूध है पानी है तो पानी है नहीं नहीं, नहीं। वो पानी था उसको दूध था पानी मिक्स था फिर वो हंस आए उसमें से दूध दूध निचोड़ लिया पानी पानी अरे क्या जोक्स है यार क्या मजाक ये तीन है या आपका मजाक है थोड़ा तो गौरव फिक्र करो भाई तो दो, दो या पानी है दो में से एक है तो ये सारी चीजें मैं मेरे इस्माइली हजरात को दो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे प्यारो थोड़ा अपनी अकल का इस्तेमाल इसमें कर लो इंशाल्लाह कामयाब हो जाओगे इंशाल्लाह शाह कामे आप हो जाएंगे हमारे भाई जो सैम है काफी अरसे से हमें फॉलो कर रहे हैं इस्माइली हैं इनका एक सवाल अभी इंशाल्लाह मौलाना कासिम जरूर जवाब देंगे कि खाना काबा में हजरे अस्वद की क्या जरूरत है उसका क्या काम है और ये कहते हैं कि आपकी बनाई हुई बातें हैं तो मेरे भाई स्क्रीन चेक कर लीजिए ये हमारी बनाई हुई बातें नहीं है वर्ड टू वर्ड जैसे मौलाना कासिम ने कहा ये पूरे इससे मौजूद है और ये न्यूज भी आप देखे कितनी फाइनेंशियल टाइम्स वालों की ये न्यूज है इसके अलावा आपको ये ब्रिटिश टाइम्स मिलेगा न्यूयॉर्क टाइम्स में मिलेगा इसमें आप देख सकते हैं कि आपके इमाम को जो है वो किस तरह ये देखें आगा खान को कितने मिलियन डॉलर्स का जो है वो और नुकसान हुआ सब कुछ इसके अंदर मौजूद है हमारी बातें ये बनाई हुई नहीं है ये आप खुद भी थोड़ा रिसर्च कर लीजिएगा मौलाना कासिम के पास जरा तेजी से चलते हैं ताकि जो प्रोग्राम का असल मकसद था इस सवाल का जवाब कि मौलाना कासिम ये जो इनका दूसरा सवाल का है पॉइंट है क्योंकि पहले का तो आपने माशाला बहुत अच्छे से रद्द कर दिया ये जो कहते हैं कि ये परस्ती नहीं है क्योंकि ये शायरल्ला है अलामत हैं, इमाम जो है वो जिंदा इसमें आज़म है यानी इमाम या हयुल या कयम है मौलाना कासिम अल अलकयम कहना इमाम को और उसको अल्लाह का इसम कहना और फिर ये कहना कि ये बुतप्रस्ते नहीं जी अब आप क्या है ये अल्लाह का इसम इसमें आ गया ये एक बहुत तफसली अलग टॉपिक है इस पे इंशाला हम मुकम्मल प्रगाम भी करेंगे कि अल्लाह सुबहान का एक इसम एक नाम इसम आज़म है ठीक है अब हदीस में जो असम आज़म है उसके बारे में अल्हाम भी आया है लेकिन उससे पहले ला अला का जिक्र आके अल्हाम आया है इसमें मुहद्दिसीन और कहते हैं कि अल्लाह का इसम आज़म अल्लाह सुबहाना का वो अल्लाह ही है लफ्स वर्ड जो अल्लाह है ये अल्लाह सुबहान तस्म आज़म बाज जो अल्हालूम का उसके बाद जिक्र है तो फरमाते हैं कि अल्लाह सुबहाना के जो सिफती नाम है उन नामों में से अलह अल क्यूम यह दो वर्ड इसमें आज़म कहलाते हैं कि अल्लाह सुबहान के नामों में से जो इसमें आजम जो नाम मकाम जो दिया गया जिसके लेकर वो नाम पढ़ के अल्लाह से मांगे तो कबूलियत के चांसिस आम उससे ज्यादा होती है तो ये ये मुख्तसरन ये मैं बता दिया अब आते हैं तस्वीर के सवाल की तरफ जी। तस्वीर ऐसी चीज है ना कि एक शेर याद है मुझे एक बंदा था वो एक बूढ़े के पास जाके एक शेर लिखा शेर में उसने लिखा शेर बनाया कि इसलिए तस्वीरें जाना हमने खींचवाई नहीं एक बुजुर्ग के पास जाके कहा कि इसका पहला मिसरा बना दो तो उन्होंने कहा कि हाथों में राशा आंखों में बेनाई नहीं इसलिए तस्वीरें जाना हमने खिंचवाई नहीं तो फिर गया एक दूसरे बंदे के पास के इसका तो। मिसरा बना दो तो उसने कहा कि तस्वीर एक होना तो वो बंदा खुद अपने जात में यकता होता है कहा कि मैं उसकी तस्वीर बनाऊंगा दो हो जाएंगे फिर कहा कि उसमें तस्वीर में जब दो हो जाएंगे फिर उसमें यकता ही नहीं इसलिए तस्वीरें जाना हमने खिंचवाई नहीं कोई दीनदार आदमी था उसके पास गया कहा कि इसका पहला मिसरा बनाए तो उसने कहा कि तस्वीर कश तस्वीर कशी दीन अहमद में रवा आई नहीं इसलिए तस्वीरें जाना हमने खिंचवाई नहीं तो पहले मिस्रे, मिस्रे कहने का मेरा वो था कि तस्वीर कशी दीन अहमद ने में कभी भी जायज रवा नहीं आई है इसके दलाइल में पेश करने की कोशिश करूंगा पहले सबसे पहले आदमी सलाम के बाद लोग बड़े नेक थे सब मुसलमान थे उनके कुछ नेक लोग वफात पा गए जैसे कि खानदान के बड़े बड़े अफराद होते हैं है। उन्होंने क्या किया उनकी आ, बड़े याद करने लगे शैतान ने उनके दिल में डाल दिया कि सिर्फ याद किया उनकी तस्वीरें बनाओ ताकि वो सामने मुस्ताजर हो को खूब याद आएगा और जो है ना फिर फे, उनसे कहा कि इनको इबा, इबादत गाह में रखो ताकि वो तस्वीर सामने तो दिल से इबादत हो जाएगी करके उनको बुत में लगा दिया पक्के मुशरक बुत परस्त हो गए उसके बाद फिर आए उनमें दावत का काम चलाया वो अजाब वाक़ात कुरान मौजूद है फिर सारे लोग दीन की तरफ आ गए नबी के बाद दूसरे तीसरे नबी आ गए वो जाने के बाद बीच के वक्फे में फिर तस्वीर के तस्वीर बनाने लगे लोग उनकी तजीम वो लोग सिर्फ तजीम करते थे कि हमारे दीनी बुजुर्ग है दूसरी नसल आके तजीम में बढ़ा दिया तीसरे नस्ल को इससे कोई गरज नहीं थे कि क्या था बस इनकी तजीम करनी उनकी इबादत पूजा शुरू कर दी तो उन उम्मतों में ये तस्वीर की तस्वीर बुनियाद बन रही थी परस्ती की इसलिए जनाब मोहम्मद सल्लम की उम्मत के लिए सद्ली जरा आप सल्लाम कीम्मत मोहम्मद साहिब वसलाम और दीन इस्लाम चूंकि क्यामत तक के लिए है इसलिए सदल जरा यह एक फिका का अलाह है कि उस तरफ जाने वाले श्रिक बुतपरस्ती की तरफ जाने वाले रास्ते को ही रोकने के गरज से तस्वीर कशी तस्वीर बनाना तस्वीर रखने को इस उम्मत के लिए नाजायज हराम करार दिया गया और हदीस में अब्दुल्बनी मसऊद रजीरावी है बुखारी शरीफ की हदीस है पांच हजार नौ सौ पचास फरमाते हैं रसोलस ने फरमाया अशद अजाबई योमल क़ियामतवरून क़ियामत के दिन सबसे शदीद अजाब में तस्वीर बनाने वाले होंगे और आगे एक हदीस में आता है कि जो शख्स दुनिया में कोई जानदार की तस्वीर बनाएगा क़ियामत में उसको हुक्म दिया जाएगा कि वो इसमें रूह डाले लेकिन वो हर किस ऐसा नहीं कर सकेंगे एक रिवायत में आता है बुख, बुखारी मुस्लिम में ये रिवायत इन नला मलाइका ला तुलई तनफीला ये बुखारी की रिवायत है कि फरिश्ते उस घर में दाखिल नहीं होते जिस घर में तस्वीर हो एक और रिवायत है मुस्लिम बुखारी की इन दोनों किताबों में से किसी एक की है मैं याददाश्त से बता रहा हूँ मुझे यकीन नहीं है है इन दोनों में में से एक में पढ़ा है मैंने कि कुत्ता और तस्वीर हो देखिए इतने मजबूत स्ट्रांदीस एक दफा जबरी रसुल्ला स्लाम के पास नहीं आए घर में दाखिल नहीं हुए बता दिया कि घर में तस वो, वो एक दफ़ा तो चरपाई के नीचे किसी उसकी बाड़ी पड़ी थी उस वजह से दाखिल नहीं एक दफा ऐसा हुआ पर्दा पर्दा लटकाया था जिसमें तस्वीरें थी ये ये मजबूत हदीस है ये कोई किस्सा कहानी नहीं बता रहा हूँ मज़बूत हदीस उस पर्दे में तस्वीरें थी इस वजह जबरीलम अंदर दाखिल नहीं हुआ जब उसको उतार कर नीचे फेंक दिया गया फिर जबरी तशरीफ ले आए तो देखिये ये वाकियात और मज़बूत अहादीस इनसे साबित है कि जानदार की तस्वीर ऐसी तस्वीर जो जानदार की हो इसे कोई यह ना समझे कि भाई पहाड़ जो है ना आ, समंदर दरिया आम जो चीजें हैं दरख्तें वगैरह इस तरह की चीजें इनकी तस्वीर चूंकि इसमें क़ियामत में रूह डालने के लिए नहीं कहा जाएगा और इनके ममनू तस्वीर में ये शामिल नहीं है जानदार चीजों की तस्वीर खींचना ममनू है अलबत् अब इस बात पर बाज़ इलामा की राय यह है कि जरूरत के मौके पर जैसे पासपोर्ट है पैसा नोट वगैरह में है ज़रूरत के लिए मजबूरी में इंसान मजबूरी में बाज अवकात उनको जो है ना गधे का गोश्त भी खाने भूख से मर रहा हो खाना पड़ता है सफर नहीं कर सकता है हज उम्र के लिए बंदा नहीं जा सकता है पासपोर्ट ना हो पैसे जेब में ना हो भूखा मर जाएगा इसलिए चूंकि हुकूमत की तरफ से होता है तो उसमें वो तस्वीर मजबूर बंदा इस्तेमाल कर सकता है दूसरी तरफ आते डिजिटल तस्वीर डिजिटल तस्वीर में जिन चीज़ों को हम खारिज में देख सकते हैं मसला ख़ारिज में कोई अपने मुहरम बहन वालदा इनकी मुहरिमात की अपने अहलिया को देख सकता है ऐसे जायज़ तस्वीरें अपने वालिद को बेटे को भाई को जो खारिज में आउट ऑफ तस्वीर जो चीज़ें जायज़ है उस चीज़ को डिजिटल में कोई रखता है प्रिंट इतना हो किसी कागज़ पर किसी दीवार पे किसी भी चीज़ पर तो उनके सिर्फ यह है कि उस हद तक मोबाइल के अंदर तक उस पर बाज ने कहा कि वो तस्वीर के हुक्म में जाकर हराम तस्वीर में नहीं जाएगा यह बासमा की मतलब राय है बहरहाल प्रेंटिट के बारे में तमाम का इतफाक है कि प्रेंट शुदा जो है ना वो तस्वीर के भी हुक्म में है और वो नाजायज और हराम है रही ये बात कि उसको लेगा करताजीम के लिए दीवार पे लगाना ये बिल्कुल नाजायज है तस्वीर की तजीम और दूसरी बात यह है कि इबादत गाह में लगाना बुध परस्ती के बिल्कुल शुबा है आगे इसमें बिल्कुल मुशाबे हो गया जैसे कि बुत सामने पड़ा खड़ा है उसके आगे झुकते हैं तो उस पर आगे किसी ने अपने वालिद की तस्वीर लगा दी वो भी बुध के हुक्म में होगा किसी ने पीर की किसी ने मुर्शिद की किसी इमाम की लगाई तो वो गोया कि उसके सामने पूछ रहे तो उसकी पूजा कर रहा है दिल में वो सौ दफा अल्लाह के सर आमाल को देखा जाएगा सर रख रहा है बुद्ध के सामने और कहे कि दिल में अल्लाह को कर रहा हूं तो ये अमल जो है ना उसके कौल की तकजीब कर कर रहा है कि ये अमल इसका ये नहीं है जी, जी। तस्वीर के बारे में जो अदीस है वो मैंने आपके सामने रखी इन इन बुनियाद पर प्रिंटेड प्रिंटेड हर कसम जितनी भी तस्वीरें हैं वो हराम तस्वीर में दाखिल बिल्कुल यहाँ पे मौलाना कासिम बता दें कि इनके इमाम जो है वो बड़े शौक से सुल्तान मोहम्मद शाह जो इनके फोर्टी एट इमाम थे उनके लिए तो सब जानते ही हैं कि वो बाकायदा फोटोग्राफर को घर पे बुलाते थे और अपनी अपनी और अपनी बेगम की हाथ से स्केचेस बनवाते थे और वो स्केचेस अभी भी आप गूगल पर देख सकते हैं जिसमायली जानते हैं अपनी फोटो खुद बनवाना और उसके स्केचेस बांटना ये इनके इमामों के शौक रहे जमात खानों में भी इनके सामने भी झुका जाता है जैसा कि हमने कई अपनी वीडियोस में भी दिखाया इसके अलावा जो है वो आपको अभी हम जो स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं तो इनके इमाम ने कभी भी अपनी जमात खाने के इन अमल को इन चीजों को कभी नहीं रोका इमाम की गाइडेंस क्या है ये हम सब जान चुके हैं मौलाना कासिम आखिर में प्रोग्राम के पे एक बहुत जरूरी सवाल जो मुझे लगता है कि इस प्रोग्राम के से रिलेटेड बहुत सही है क्योंकि ये सैम भाई ने की और काफी हम इसका जवाब दे दीजिए इनशाला हम हिकमा जो इनका पेज है इस पर आने वाले कई सारे जो सवाल है उनको बारी बारी मौलाना कासिम के सामने रखेंगे मौलाना कासिम से ये इंपॉर्टेंट सवाल करते हैं कि हजरे अस्वत का फिर क्या काम खान का देखिए पहली बात यह जानदार के तस्वीर के है ना तो तस्वीर रखना जायज नहीं है तो पत्थर रखना क्यों जायज है भाई आप अपने इबादत गाह में पत्थर लगाए हुए ईट लगाए हमने भी मस्जिद में ईंट ही लगाए पत्थर लगाए तो ये तो तस्वीर के हुक्म में नहीं है अलबत आप ये सवाल उठा सकते हैं कि हजर असवद की आ, को चूमते क्यों है और खनक जो इमारत बनी है उसकी तरफ रुख करके या उधर जाके उसके गर्द घूमते क्यों है ये सवाल उठाना ये मुनासिब सवाल है कि भाई आप उनका एहतराम क्यों करते हैं हजर असवद का ठीक है ये सवाल ठीक है ये अहम सवाल है इसका जवाब देना चाहिए भाई हम हजर असद को किस तौर पर अहमियत नहीं दे रहे हैं कि वो कोई ही अपने जात में वो एक पत्थर होने में कोई तजीम है हम आपके सामने हजरत उमर रजी तू जो कि हमारा सही तर्जुमान है उनकी तो बात तो रख रहे हैं। उन्होंने फरमाया कि भाई तू एक पत्थर है को मुखातब करके कहा कि तो तू, तू फ पत्थर है न किसी को नफा पहुंचा सकते हो नुकसान पहुंचा सकते हो न किसी का फायदा दे सकते हो न किसी को नुकसान दे सकते हो कुछ भी नहीं कर सकते हो फकत एक पत्थर हो मैं अपने महबूब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुझे चूमते हुए न देखता मैं तुझे कभी नहीं चूमता मैं तुझे सिर्फ इसलिए चूम रहा हूं कि मेरे आका ने तुझे चूमा हैुरानी मजीद में हजब असवद का जिक्र आया है अल्लाह सुबहान तला ने फरमाया ये भाई जहां भी हो तुम खने का आया। भाई कहा, से, ने बार बार एक जगह तीन दफा दोहरा कर ताक़ के साथ बताया वो अमीन है खारज था फवल का शत और तुम जहां भी निकलो जहां हो जब भी इबादत पढ़ो तो अपना चेहरा खन काबा की तरफ करो भाई हम अल्लाह तो सुबह की तरफ से आए हुए मजबूत दलाइल की बुनियाद पर उसकी तरफ रुख कर रहे हैं हम खन काज असबदत को चूम रहे हैं इसलिए नहीं कि हम हज असबदत को इबादत कर रहे हैं वो फ़कत एक पत्थर है हम उसकी तजीम अगर कर रहे हैं तज़ीम इस वजह से कर रहे अल्लाह ने कुरान में उसके तजीम करने का जिक्र फरमाया उस पत्थर का जिक्र फरमाया और रसोल्म ने उसको चूमा इन दलाइल तो की बुनियाद पर मजबूत उस पत्थर के रब ने उस पत्थर को पैदा करने वाले ने जन्नत से वो हम बेचने वाले ने कहा कि इसको चूम सकते हो इस तो वजह से सिर्फ हम उसको चूमते रही बात खन काबक ताजीम करने का उसकी तरफ रुख करने की इबादत करने का उसके लिए हमारे तो पास कुरान से मजबूत स्ट्रांग रेफरेंसेस मौजूद है मैंने एक आयत पढ़ी वो अमीन है था वह है सुन तुम फवल हमारे पास नहीं होती तुम जहां निकलो जहां जाओ, जहां हो तुम अपना काबा की तरफ करो अगर ये का आडिर हमें नहीं होता अल्लाह का हुक्म हमारे लिए अहम है अगर ये नहीं होता तो हम कभी भी खने काबा की तरफ रुख नहीं करते बल्कि वो कोई फिजाती ऐसी खूबसूरत संग से तराशीदा इंतिहाई आला की इमारत भी नहीं है वो तो सिंपल इंटों से बनी हुई है और उसके इंट भी आम गारे और कस्म के सीमेंट भी नहीं है आम नॉर्मल सीमेंट इस्तेमाल हुआ है ऊपर पर्दा भी वो आम फैक्ट्री में बंद के लेते हैं इसलिए वो अपनी जात में मिहायस इमारत मिनसल पत्थर मिहायसदा मिहायसमस्जिद सिर्फ गारे ईंट की वजह से हम उसकी तजीम हम अल्लाह के हुक्म की तजीम कर रहे अल्लाह ने जब कहा हमारे पास मज़बूत एंड स्ट्रांग रेफरेंसेस मौजूद है अल्लाह के हुक्म को हम मान रहे हैं वरना तो अल्लाह का हुक्म नहीं होता खन काबे कीत की हमारे की नज़दीक कोई असमत कोई तज़ीम नहीं होती अगर इस तरह जैसे खन काबा के बारे में है जैसे अजय के बारे में इतने मजबूत रेफरेंसिस से आखान का नसब साबित होता इतने मजबूत रेफरेंसिस से अल्लाह सुबहान तौसकी तज़ीम इबादत करने का कहता तो हम जरूर करते तो ये जब सब कुछ इधर नहीं है सब कुछ उधर मौजूद है हम इसलिए कार्य कर रहे हैं उसकी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही वैलिड आपके जवाब बहुत बेहतरीन बल्कि मैं तो लिख, को, कोशिश करती हूँ कि लिखती हूँ और जहन नशीन करूँ आप पर एतराज भी आया है कि ये क्या बात हुई मौलाना साहब आप जिस चीज को जायज कहो वो जायज़ हो जाएगी बाकी सब हराम हो जाएगा जवाब तो आपने अलहमदुल्ला बड़ा अच्छा ऑलरेडी इनको दे दिया के मजबूत दलाइल है तो हम ये सब चीजें करते हैं हराम है तो कुरान में भी उसका हुक्म है और उसके अलावा हदीसों से भी साबित है मौलाना साहब अपनी तरफ से कोई अपनी घर की कोई तावीलात नहीं बता रहे आपको मजीद सवाल करते रहिए और सैम भाई इसीलिए आपका बता रही सैम नाम है एस ए डॉट ए एम आप जो भी हमारे भाई हैं इसी तरह रही है इनशाला आपको जरूर जवाब मिलेंगे काफी हमारे भाई प्रोग्राम जब सुनते हैं तो उनको जवाब उस वक्त समझ नहीं आते लेकिन जब आप सुकून से रात को जब सोचेंगे तो इनशाला आपको सारे पॉइंट्स वैलिड लगेंगे मौलाना कासिम के प्रोग्राम का लास्ट के पांच मिनट रहे हैं और हमारे पैनलिस्ट में अली भाई भी मौजूद है इसके अलावा जारा ने भी हमें ज्वाइन किया है मौलाना कासिम ने अलहमदुल्ला इस बहसल हिकमा का जो पेज है मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देती हूँ जरा इस तरफ गौर कीजिएगा इस पेज पर मौलाना कासिम और मैं हम दोनों गए इनको जवाब देने की कोशिश की और अब आप देख सकते हैं कि इन्होंने हमें ब्लॉक किया है आप सिर्फ मुझे यहाँ पर शेयर देख सकते हैं मैं यहाँ पे कमेंट नहीं कर सकती इनकी बहुत सारे पोस्ट आई है इसीलिए हमें ये चीज हमने सोचा कि बेहतर ये कि इनकी जो लिखी हुई पोस्ट है इनका जवाब मौलाना कासिम ऑडियो वीडियो दोनों में दे इनशाला पोस्ट आपको पॉडकास्ट में भी मिलेगी और हिकमा पर आए हुए बहुत सारे जो भी ये अपने इस्माइली जमात को एक तरह की ट्रेनिंग दे रहे हैं उसका रद्द इनशा मौलाना कासिम ने अपने जिम्मे लिया है अल्लाह पाक इनको जजाय खैर दे मौलाना कासिम आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी रहनुमाई करने के लिए और इस तरह की बातिल तावील जो कि इस्माइली मिशनरी फैला रहे हैं उनका रद्द करने में आप जो जहाज जितना जो है वो अजीम काम कर रहे हो हमारी रहनुमाई कर रहे हो बाकी भी लोग जो वहां जाके रहा होंगे उनके लिए आपने जवाब जो है ये महफूज करवा दिया दोबारा कभी भी हमारे आ, इस ये जो भाई ने, जी ये जो भाई ने सवाल उठाया कि आप जो जायज के जायज होता है ना जायज़ <laughs> के ना जायज भाई मैं अर्ज करूंगा कि हम किसी को सवाल बताते हुए इस तरह आम कोई नमाज़, रोज़ा, जक़ात का नार्मल सवाल जिसको हमें पता है किताबों में पढ़ा है फिर भी बताते हुए कि यह लाल है, ना डरते हैं क्योंकि जो मसला बताता है ना, नात के दिन जिसको बताया गया है वो अपने और अल्लाह या अल्लाह का हुक्म होता है ना गोए के मुफ्ती या आलिम मसला बताते हुए अल्लाह का उसके बारे में हुक्म पैगाम उसको बता रहा है तो जहन्नम और आ, अपने दरमियान मुफ्ती मौलवी जिसे सवाल किया जा रहे उसको आड़ बना रहा है गलत बता दिया वो बंदा उस मसले पर अमल करे नाजायज कोई तावील आयत की कर दी या हदीस की अपनी कुछ बता दिया तो क़ियामत में जहनम में मुफ्ती या आलिम मौलवी जाएगा वो शख्स बचेगा इसलिए हम जो भी बताए कोशिश होती है कि वो हमारी बात ना हो हम हदवसा इसमें इस, इस अपनी तरफ से कोई एक बात दाखिल करने निकालने के कायल नहीं है हतुल हमें कुरान से रेफरेंस अहादीस से वहां से न मिले तो फिर हम उम्म के मुहदसिन फा किताबों को देखते हैं कि इन्होंने कौन कौन से आयतों से कैसे मसाइल अखज किए वो बताते कोई चीज़ में अपनी तरफ से क्या कोई बड़े से बड़ा आलिम मौलवी जायज़ नहीं कर सकता है किसी जायज़ चीज़ को कोई बड़े से बड़ा मुफ्ती मौलवी हराम नाजायज नहीं कर सकता है ये सब चीज़ें अल्लाह तबारक व तै ने कुरीस में बता दिया और वहां से उठाकर देखकर उम्मत को बताना यह हमारी जिम्मेदारी है खूस जब सवाल हो फिर जानने के बावजूद कोई है, तो वो कितम में आता है जो चिरम है तो वो तो हम जो हक बात हो हाँ अगर हम दलील न दे हम आपको कुरान की आयत का रेफरेंस न दे या आयत न पढ़े, या उसका आयत नंबर न बताए फिर तो हम गलत है गज्जाब है झूठे हैं लेकिन हमने हदीस का नंबर और कुरान की आयत आपको बता दी इससे बढ़कर आपको क्या दलील चाहिए दूसरी तरफ देखे बासुलिकमत वालों वो क्या कर रहे हैं इधर उधर से अपनी तरफ से तावीला कर रहे हैं और तावीलात बाला कर रहे हैं अगर हम उनके रेफरेंसिस को कुरान भी जो कोट कर रहे हैं ना और जो दूसरे असल ओरिजिनल मसला है उसके सामने रखा जाए वो वो से अपनी अक्ल लड़ा कर मसाइल निकाल रहे हम आयत से वह हुक्म बता रहे जिसके लिए अल्लाह ने भेजा है मासिकल कलामी अजली नस बयान कर रहे और वो इशारात से कियासात से और ऐसी ऐसी चीजों को बतौर दलील के ला रहे चूंकि एक तरफा वो लिखते बताते हैं वो महफिल में आकर बैठे वामाई के के पास फिर बताया जाएगा कि दलील कैसे देते हैं उस पर नक्स कैसे वारिद होता है और कौन सा काबिल कबूल है कौन सा रद है उनके दलाइल ऐसे है लेकिन चूंकि अलम के सामने नहीं है और एक कमरे में बैठ के जो दिल में जो चाहे तेरा हुसन करे वही कर रहे हैं और लोगों को ए, ए, बड़ी गलती ये कर रहे हैं कि इनको बैन भी किया गया है और इस्माइलियों का तर्जुमान भर रहे हैं हालांकि इस्माइलीत जिन जिन इस्माइलियों से हमारी बात वो सबसे पहले इनको रद्द करते हैं कि भाई ये हम में से नहीं है इनकी किताबें इनकी सब चीजें हमारे जमात खानों में बैन है अभी भी एक भाई ने लिखा था कि भाई ये हमारी तर्जुमानी क्यों कर रहे है ये ये हिमत के पेज वाले और खाना हिमत वाले जी ये तो ये तो जुर्म कर रहे ये जो कानून उसूल उनके ऊपर उसकी भी खिलाफ वर्जी बिल्कुल सही मोलाना कसम एक तो जुल्मे करते हैं कि गलत तावीलात ये लोग पेश करते हैं और ऊपर से मजीद जुल्मे कि आपको और हमको जो है ब्लॉक कर दिया है कि हम इनको जवाब देंगे तो बाकी जो लोग पढ़ रहे हैं उनको हाँ चल जाए जी रिजवान साहब आपका मैं माइक म्यूट कर रही हूँ क्योंकि आपकी अब आप, जो आवाज मेरी डबल होके आ रही है वैसे हमारे पास टाइम तो ऐसे मुकम्मल हो चुका है लेकिन जैसे मौलाना कासिम ने कहा कि जिम्मेदारी है मौलाना कासिम मेरे ऊपर एक सवाल की जिम्मेदारी आ गई थी आखिर में क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम इस्माइली जो है वो आ खान की तस्वीर जमात खाने में इसलिए रखते हैं क्योंकि अली का चेहरा देखना इबादत है और हालांकि आपका जो सवाल प्रोग्राम था वो तो आपने माशाल्लाह जवाब दे दिया इसका अगर क्योंकि आप ऑलरेडी कई दफा इसका जवाब दे चुके हैं लेकिन हर बार एक नया लिस्नर आता है तो इनको जरा इस चीज का जवाब है, तो इनके लिए है कि अली का चेहरा देखना इबादत है आप मुझे इस इस हदीस की अगर आप हदीस कह रहे हैं इसकी सनत दिखाए इसकी सनत दिखाए ये जो है ना गड़ी हुई हदीस है गड़ी हुई इसके लिए रवा, रवाफिस ने इस हदीस को गढ़ के क्या किया इसके लिए मुख्तलिफ सनत बनाई तुर्क बनाई हैं तकरीबन चार पांच तुर्क बनाए ताकि कोई हदीस सर्च करने वाले को यह ये लगे कि भाई इसके ये ये सनत भी है ये भी है ये, ये भी है ये तो गलत नहीं हो सकता है लेकिन जिसको हदीस के फन से मजबूत मुनासिबत ना हो और एक एक हदीस को मुहदसिन ने ये जरा होतादी के इमामों ने जरा करते हदीस पर कि भाई ये शख्स का जब दाल हदीस गढ़ता है और कहते ये सिक्का है आदिल है सही हदीस बयान करता है ये जो बड़े बड़े इमाम इबर रस्कलानी राह जैसे शख्सियात गुजरे उन्होंने दूध का दूध पानी का पानी करके छोड़ा है रसोल्लाम की तरफ ना कोई झूठ मनसूब कर सकता है न सच हदीस को कोई गलत कर सकता है उन्होंने दूध का दूध पानी का पानी कर डाला है यहाँ पर चार पांच तुरुक लाया है सब के सब गलत है उसमें जिन जिन रावियों के नामों का जिक्र किया चूंकि इनको रावियों का पर भी ज्यादा गिरफ नहीं है ना उसमें भी दज्जाल रावी मिक्स कर दिए और सनत कई जगहों से तो मुन है उनमें वो बंदों के नाम भी मुझे याद थे जो के दुरुस्त सही लोग नहीं थे मशहूल भी थे और तुरु बनाया गया है बाकायदे तौर पर ना ये मौ... ये जो हदीस पे नजर रखते हैं इतने माहरीन है कि बनाने वाले को भी जानते हैं कि कैसे तुर्क बनाया गया ये भी इनके भी। बनाने का मकसद ये है कि किसी तरह ये हदीस काबिल कबूल हो तो अगर आप देखें ना मौजूद कुबरा उसमें भी हदीस मौजूद है मौजूद कुबरा में गड़ी हुई बड़ी हदीस में से एक ये भी है क्योंकि मैंने पहले भी आरज किया था कि रवाफिस अमूमन अहले बैद की शान में इन्होंने तकरीबन दो लाख अदीस गढ़ी है दो लाख अदीस गढ़ी है बनाई है उनमें से एक ये भी है पहले तो ये साबित करे उसके बाद ये भाई मैं तस्वीर को देखता हूं उसमें अली का चेहरा नजर मुझे आता है और उसको देखना इबादत है पहले उसको देखना इबादत नहीं है ये अलग बात दूसरी बात जो आप कह रहे हैं ना कि तस्वीर को देखना अगर कोई तो ये कहे कि मुझे जो है ना खंजीर को देखे तो अल्लाह की कुदरत याद आती है उसको पूछना शुरू करे तो क्या ये दुरुस्त है या कोई कहे कि मैं गधे को देखता हूँ कि अल्लाह के उस पर मुझे बड़ा आ, वो, वो याद आता है फलह तो, मेरा दिल जो है ना खो जाता है खुशबू आता है तो उसको पूछना सजदा करना शुरू करेगा सामने रखेगा तो भाई जब वो चीजें दुरुस्त नहीं है अब जो तो, है ना वो एक बड़ा मूर्ति बना के हिंदू जब उसको सामने रखता है तो वो ये नहीं कहता है कि ये पत्थर अभी इधर से निकाल के मुझे कुछ जेब भर देगा वो कहता है कि नहीं इसको पूछता हूँ इससे मैं भगवान को वो करता हूँ और भगवान से वो अपना एक वो भगवान माना हुआ है तो भाई फिर तो, तो दुनिया में न कोई मुशरिक रहा न कोई सारे अल्लाह के वली बन गए ना कि जो भी जैसे कहे उसको खुदा कहे तो वो खुदा ही बन गया आपके बकौल इसलिए आपका कौल जो है ना अगली नगली इतबार से दुरुस्त नहीं है ठीक है यहाँ पे जो जिस भाई ने ये सवाल किया और उन्होंने किसी की नुमाइंदगी की कि, कि ये स्मायलियों का जो है जवाब होता है तो मौलाना कासिम ने बता दिया कि ये फैब्रिकेटेड हदीस है इसका ताल्लुक जो है वो सही हदीस से नहीं है इसके अलावा मौलाना कासिम वो वाक्य जरा सुना दीजिए कि जब मौला अली ने जो है रजी ने नबी वसल्लम के शान मुबारक पर अपने कदम रखे और फिर वो तमाम चीजों को खाना से गिराया ताकि इस बात का अंदाजा हो सके कि अली किस जो है वो रखते थे सोच रखते थे वो कितने शिरक से जो है नफरत करते थे और उनके नाम पर किस तरह का शिरक हो रहा है प्रोग्राम का अख्तदाम करेंगे आपके चंद आखिरी कलमार पर। खा, खाने काबे में जब मुसलमान जो है ना फते मक्का के मौके पर पहुंचे तो उस वक्त भी तकरीबन तीन सौ साढ़े तीन सौ से ज्यादा बुत पड़े हुए थे तो सबसे पहले ये काम किया जैसे इब्राहिम ने किया था ना सब बुतों को तोड़ दिया और असलाह जो है ना बड़े बुत के गले में डाल दिया फिर कौम ने आकर पूछा कहा कि इनसे पूछो इसने किया ये वारदात तो वो चूंकि उनको सबक सिखाने के लिए ऐसा किया था यहां पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से सहबे के राम ने तमाम बुत पाश पाश कर दिए निकाल बाहर फेंक दिया खने को से बिल्कुल क्लीन साफ जिस वक्त किया अब तक उसी हालत में है उसमें कोई तस्वीर कोई 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 जो है ना कोई मूर्ति कोई वो कुछ भी नहीं छोड़ा गया अब जो कोई ये दावा कर रहा है कि उसमें कोई छोड़ा गया या जो है ना कोई सलाम के शबी या उनकी मूर्ति या इब्राहिम सलाम की कोई मूर्ति तो अव्वल ये है कि ये एक ये भी एक दावा है इसकी कोई दलील सर पैर नहीं है अगर कोई कुछ अंग्रेज कोई यहूदी कोई ईसाई की किताब लेकर ये दलील पेश कर रहा है तो हमारे पास हमारी तारीख में रिवायात में अहादीस में सल्लल्लाहु रसुल्ला साहब के साथ पूरा साफ करने का जिसमें हजरत तो अली ने खुद भी शरीक थे पूरा साफ करने का रिवायात मजबूत मौजूद है और जो अंग्रेज किताब में कि भाई वो ईसा के ईसाई ऐसे ही कहेगा ना कि वहाँ पर ईसा तस्वीर थी उसको रखा गया ये है वो ये अंग्रेज की बात है जो कि गैर मुस्लिम काफिर है और काफिर की बात को कोई को दलील बनाता है वरुण सल्लम के हादीस उनके सामने रख रहे तो जाहिर बात है कि मजबूत दलील यकी हमारी होगी और वो अंग्रेज मुआवज़ कितने सालों बाद आके वो अपनी तरफ से जो है ना ईसा के थोड़ा सा वो अपने जाम में समझ रहे हैं कि मैं उनका कोई रतबा मरतबा बढ़ा रहा हूँ हालांकि उनका रतबा तो नबी है नबी का रतबा तो हमारे नज़दीक तो आला ही है वो अपने गलत फहमी में है और जो इससे दलील ले रहा है तो वो उससे भी ज्यादा गलत फहमी में है प्राकृतिक ये आप दिखा देते हैं बहसुल हिकमा की तरह इस्माइली नॉनसेंस बोलने के लिए देखिए सबसे पहली चीज ये है इस्माइली थोड़ा सेम भाई थोड़ी आप अपने अक्ल का इस्तेमाल करे कि भाई यहाँ पे अली को देखना इबादत है तो अली की जहाँ पे बात आई तो अभी हजरत अली रजी अल्लाह तो दुनिया में नहीं है और ये झूठी की हदीस है तो उसमें यह कि अली को देखना ही इबादत है अली के वंश को या हुसैन को या जैनी आब्दीन को ये तो बात नहीं है इसमें ठीक <laughs> है तो थी ये फोर्टी नाइन तो तक जाते हैं फोर्टी नाइन तक जाते हैं अगर सही आप बोले तो भी सही नहीं है उसके हमारे पास सबूत है तो आप सही भी समझो तो 49 तक जाते ये पहली चीज चीज अच्छा दूसरी फोटो की जहां पे बात है तो यहाँ पे है कि अगर फोटो को देखना इबादत होता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फोटो के बारे में इतनी अहादीत बयान नहीं करते थे और जिस घर में फोटो जानदार की हो और कुत्ता उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते तो ये सारी चीजों के ऊपर आप गौर करो तो आपकी अक्कल जो है ना वो आपको जवाब दे देगी कि भाई ये जो हज़ हजरे अश्वत है वो जब मुसलमान उसको चूमता है तो उसके पास दुआ मांगता है क्या क्या उसके पास जाके वो इबादत करता है या बोलता है कि हे अजनौजुब्ला है हजरे अवशत तू हमारी कुल मुश्किल आसान कर आप अपने आगा खान को बोलते हो ये और आगा खान की फोटो के सामने देख के ये सारी चीजें करते हो तो थोड़ा अपनी अकल का इस्तेमाल करे ये अबू अली के ये खलील अंदानी के और ये जो पूरे पेड लोग है ना उसकी जंजाल से बाहर आ जाए आपको अल्लाह ने अढ़ाई ग्राम का भेजा दिया है ठीक है और वो भी दो दो दिमाग होते हैं कॉन्शियस एंड सब अनकॉन्शियस तो थोड़ा इस्तेमाल करे इनशाला इस्तेमाल करेंगे ना थोड़ी अपनी अक्कल लगाएंगे तो आपको इनशाला जरूर फायदा होगा और यहाँ पे आप जो ये बात कर रहे भाई हम इसीलिए अशम को चुमते हैं क्योंकि हजरत अली ने चुमा है हजरत हुसैन के बारे में रिवायत है कि तकरीबन 22 या 25 हज उन्होंने की उन्होंने कभी नहीं बोला कि नवजुबिल्ला मेरा दीदार कर लो हज करने की जरूरत नहीं है उन्होंने खुद ने हजरत हुसैन की जिंदगी तो पड़े हजरत अली की जिंदगी तो पड़े जो टाइम एंड नॉलेज नजराना बोल के बोल रहे हो कि कुर्बानी दे दिया अरे हजरत अली के बारे में तो देखे कि उन्होंने कुर्बानी टाइम एंड नॉलेज के बारे में बोली थी या जाके कुर्बानी दी थी हजरत अली तो दो दो कुर्बानी दिया करते थे एक खुद के और नबी अलैहि वसल्लम उनको वसीयत करके गए थे उनकी तो ये सारी चीजें उनकी जिंदगी पड़े और ये आप जो गुमान में रह रहे हो ना आपको जो भी चीजें साबित करते हैं मैं आपको खुला खुला इस्माइली बताता हूँ कि आपकी इस्माइली मिशनरियों की खुद की कोई स्टडी नहीं है वो जो है इश्नाश्री की स्टडी उठाते हैं हजरत अली के बारे में और ये इस ये इस पे फिट करते हैं और ये हजरत जो इस की जो स्टडी उठाते हैं वो इसनाशरी का फतवा है कि इस्माइली काफिर है तो आप किस किस बदगुमानी में घूम रहे हो थोड़ा अपनी अकल का इस्तेमाल करें अभी नहीं करोगे तो आगे जाके बहुत पछताना पड़ेगा मौलाना कासिम साहब आपको इतना प्यार मोहब्बत से समझा रहे हैं मेरे पास तो उतना जो है प्यार मोहब्बत और इतनी सब्र नहीं है मैं आपको सीधी सीधी बात इसीलिए बता रहा हूँ कि आप अक्ल का इस्तेमाल करें भाई हजर असव और इमाम का कहाँ है वो दोनों के बारे में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है और कहा अल्लाह का हुक्म और कहां ये फोटो जहां पे अल्लाह की ना फरमानी थोड़ा गौर फिक्र करने की जरूरत है बहुत शुक्रिया आपके सवाल <laughs> बहुत ही वैलिड है मौलाना कासिम जो आपने जिक्र किया बिल्कुल आपकी बात सही है कि इस्माइली नोसिस हम मैं तो उसको इसमायी नॉनसेंस कहती हूँ इस पर भी इसी तरह का जवाब लिखा हुआ है कि हम इमाम की जो है वो तस्वीर क्यों रखते हैं यहाँ पे इन्होंने एक फेक वाक्य बताया जिसका मौलाना ने ऑलरेडी रद्द कर दिया है किसी मार्टिन लिंक्स नाम के बंदे की जो है वो बुक का हवाला देते हुए कहते हैं कि उन्होंने जो है वो हजरत ईसा और हजरत मरियम और हजरत इब्राहिम की तस्वीर को छोड़ के और खाना काबा में जितने बुद्ध थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा को इसको पाकिस्तान इनको छोड़ के बाकी सबको गिरा दो तो जहां पर मौलाना कासिम मजबूत दलाइल और हदीस से साबित कर रहे हैं वहां पर इन अंग्रेज की जो इतने अरसे के बाद जो है वो कुछ आकर उठा के ले आएगा वो दलील ये लोग बना के अपने इमाम को साबित कर रहे हैं मौलाना कासिम आपका बहुत बहुत शुक्रिया इसमें आखिरी एक सवाल माफी चाहता हूँ अगर आप मुझे एक मिनट दे एडमिन तो एक फोटो के बारे में एक जबरदस्त रियल वाक्य मैं आपको एक स्माइली का बताता हूँ उसके उसके मुंह से सुना हुआ मौलाना कासिम साहब सुनिएगा और बहुत ही ताजुब भी के साथ कि वो एक बंदा है ना ये इसमायलिजम के अंदर है ना चार से पांच सुबह में एक घंटा इबादत करते वो लोग ना उस बिल्ला उसके अंदर हजरत अली की हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी तस्बी निकाल लेकिन अल्लाह की भी निकालते हैं चार से पांच जो ये बैतुल ख्याल वाले होते हैं ना वो इबादत करते हैं तो एक जो है ना अल्लाह का बंदा वो बराबर जमात खाना सुबह में तीन साढ़े तीन बजे खोल देता और चार से पांच तस्बी लेके फोटो के सामने बैठ जाता आज भी बहुत सारे जो फोटो के सामने बैठ के तस्वीर निकालते हैं और वो बंदा फोटो के सामने बैठ जाता था, था और अल्लाह ने उसको हिदायत देनी होगी तो एक बार उसको फोटो हट गया और उसकी जगह पे अरबिक के अंदर ला इलाहा अला लिखा हुआ दिखा और ये मैंने उसके मुंह से सुना हुआ वहां ये कोई स्टोरी किस्सा कहानी किसी और से सुना नहीं है और वो बंदे ने जो है अपने दोस्त को बताया और बाद में मुफ्ती साहब से जो है बात हुई तो मुफ्ती साहब ने बोला कि भाई अल्लाह तुमको कबूल करना चाहता है तो आज अल्लाह का बंदा माशाल्लाह पांच वक्त का नमाज ही है और अल्हम्दुलिल्लाह ला सुर यासिन सूर्य मोल्क और कई जो है दिग्गज सुरा है वो बंदे को याद है एजेड है अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा है अभी तकरीबन पचहत्तर के करीब करीब में उसकी एज होगी लेकिन इस तरीके से जो है लोग ये ये कहते लेकिन अल्लाह ने उसको कबूल करना होगा तो वो फोटो निकल गया और उसकी जगह पे अल्लाह ने उसको जो है ला अला दिखा दिया तो भाई ये फोटो वोटू में कुछ नहीं रखा है ठीक है ये हकीकत तो ला ही है, है जिसको पकड़ ले तो इनशा कामयाब हो जाएंगे मौलाना कासिम साहब माफी चाहता हूँ आपको इंटरप्ट किया नहीं, नहीं।, नहीं। आ, अच्छी बात कही आपने इतनी मतलब ये है की यह ऐसे इबरत चीज़ है हर जगह कुरान अहादीज के आयतें ही का दलाइल बाज लोगों को समझ ही एक मतलब ये है कि वाक शुदा एक चीज है अल्लाह ने जब हिदायत देना हो तो ऐसे तस्वीर के सामने से भी उठा के एक रुख बहरहाल इस एक सवाल का ना कि हम इस तस्वीर की ताज़ीम इसलिए कर रहे कि ये शायर में से है ये एक उन्होंने दावा किया है ना शाहर किसे कहते हैं? पहले इसको समझना चाहिए फिर मैं बताऊंगा कि शायरुल्लाह के लिए दलील होनी चाहिए ठीक है ना शाहर इसे कहते या शायर इस्लाम आपके वो अलामत वो आम अलामत जिनको देख कर ही आप मसलन आम बिल्कुल नार्मल उस पर मिसाल पे आप गले में सलीब लटके हुए देखेंगे किसी को आप क्या समझेंगे ये क्या है ये शख्स है क्रिस्टनिटी के शायर है ये इसी तरह माथे पे वो निशान लगा कर आ, सुरुख करके और जो है ना आ, वो बाकायदा उसी साड़ी वो खास मखसूस लिबास में घंटी वगैरह बजा के निकले ही पता चलेगा कि ये हिंदू है इसी तरह शायर इस्लाम वो अलामत है भाई सर पे सफेद टोपी है सफेद कुर्ता है दाढ़ी है मुंछे भी काट के जो है ना बड़े उसके साथ बंदा रुमाल के अंधे पे डाल के मस्जिद की तरफ जा रहा है तो ये बंदा कि ये शायर इस्लाम है जो है ना दाढ़ी रखना दाढ़ी शायर इस्लाम में से है इसी तरह बहुत सारी चीजें हैं जो इस्लाम के शायर है चीजें हैं उनको बाकायदे तौर पर कुरान में कहा कि ये शायर है मसलन सफा मरवा के बारे में ना थोड़ा मुसलमानों को डाउट था कि भाई इस्लाम से पहले भी ये सफा मरवा में ये काफिर आते जाते थे और यहाँ आकर बहुत सारे खुराफात करते थे कि इस्लाम के बाद भी इधर हम वो इधर उधर जाए या नहीं तो कुरान ने बता दिया कि भाई वो जो करते थे ना जो अमाल वो तो गलत थे नंगे होकर तवाफ करना आना जाना अब जो है ना इन नफा वल मरवतमिन शाह अच्छा दूसरी जगह हरम शरीफ और जो है ना बैतुल्ला इन सब मकाम को शाह कहा है फिर भी वही कि ये कुरान से इनका शाह होना साबित है भाई की तस्वीर को आप शाह समझ रहे खान को खुद ये बिला दलील है आपके पास ऐसी कोई दलील नहीं है भाई जिससे आप साबित करो कि ये शख्स शायद में से है या ये है कि वो वही पे वही सवाल मैंने कई को दुहराया। बहुत सारे मुझे चैलेंज करके मेरे खुद रिश्तेदार भी अभी तक नहीं ला सके भाई न सबनामा इसका अहलबैत होना किसी भी तरह मज़बूत दलील से साबित करो हल्की फुल्की नहीं मजबूत दलील से क्योंकि चारी. एक अकीदे के लिए मजबूत रेफरेंस होना चाहिए आप सिर्फ एक खबर वाहिद आ, मन कुंत मोला फालू मोला वो भी गलत आका माना लेकर खबर वाहिद से वो साबित नहीं होता है उससे पहला आखिर तक इस तक और इन चार है इनको दलाइल से साबित करो फिर बात की बात है कि शाहरल है या नहीं तो ये सारे बिला दलील एक दावा है आपका शाहरल मजबूत कुरान अदीस के रेफरेंस दलाइल से साबित होता है जी ठीक है बहुत शुक्रिया आपका हमारी बहन जहरा हमारे साथ है और वो भी कुछ कहना चाह रही है असला जहरा My uh, my my bone of contention with the Ismaili community or the Agahanis, as I as as I refer to them, as I don't consider them to be Muslims. And it has been proven time and time again that 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 not only are they not Shi'as, but they are not Muslims. So when they come and contest with us and tell us and bring references from Shia ethnarchy uh, books or whatever uh, you know whatever books that they get their get their mm -hmm. their source of information is, that is not even something that we can take into consideration because time and time again it has been proven that the Agahani's are not Muslims. Um, Allah subhanahu wa ta'ala has, in the strongest of words, forbidden all forms of shirk in the Quran. Time and time again, there are many verses in the Quran that that talk about shirk. And, mm. and when you keep uh, us as Muslims, like uh, like everybody else said, we are not even allowed to pray with pictures and paintings in, in front, front of, of us. Mm. No form of paintings or pictures are allowed. As far as the Kaaba is concerned, the Kaaba was built by Ibrahim um peace be upon him and his son it is not it is not uh it's not uh, an object uh, or a monument that we pray to we only pray towards it it's only a direction that we follow so that all mm -hmm. us muslims can have unity our our religion is all about unity we all have the same prayer timings according to the countries that we live in we all pray five times no matter which Thought, school of thought we belong to we don't have sex we have schools of thought like we have uh, we have shafi hanafi etc these are all schools of thought they do not take away from the basic concept of islam they do not change the way the prayers mm -hmm. are done they do not bring any significant changes in in islam that would change make us different from anybody else exactly. all muslims are supposed to pray towards the Kaaba because it's unity. We pray five times, all Muslims pray five times a day all the basic pillars of Islam are followed the same with all schools of madhab whether we keep our hands on our chest on our, our stomachs or keep Very well mm, exactly. at the uh, you know keep them straight down This this does not change the basic concept of how the prayers are done but with ismailis they have completely changed the prayers is changed. they have changed all the basic five pillars of Islam which takes them away from the fold of Islam so when they come and fight and refute and challenge us, we have given them enough proofs. From the Quran. we have with us. Exactly. और जब भी कोई हमें, हमसे इस तरह की रेपेशन करेगा तो अल्लाह के मजहब के सिपाही उसके महाफिज हमारे साथ मौजूद हैं yeah. बाकी भी हमारे साथ दूसरे कराम भी जुड़ेंगे प्रोग्राम का टाइम भी हमारा ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो चुका है जरा आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमेशा आपकी बातें yeah. बहुत टू द पॉइंट होती है और ऐसी बातें होती है जिसपे इसमाइलियों को सोचना चाहिए हमारे एक भाई अल्नूर ने भी ज्वाइन किया है भाई आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप कहिए फिर हमारे प्रोग्राम मुझे मैं उतना तो नहीं हूँ अलहमदल मौलाना कासिम साहब आप लोग अली भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मुझे सिर्फ इतना कहना है अर्लियर अजीम साहब ने कमेंट किया था जो अल्लाह मलक सुजुदी वस्ताती इन लोग करते हैं तो हुआ ये था एक्चुअली कल कल ही मेरी माँ से मेरी बातचीत हो रही थी आप लोग भी दुआ करें कि उन्हें भी अल्लाह ताला जल्दी से हिदायत दे आ, तो उनका क्वेश्चन उनका क्वेश्चन यही था कि हम लोग भी तो अल्लाह मलक सुजूदी वस्ताती करके अल्लाह का ही सजदा करते हैं तो मैंने सिर्फ इतना पूछा था माँ इतना बताओ कि जब सजदा करती हो तो जहन में तस्वीर किसकी होती है आगा खान की तो फिर उसके पास कोई जवाब नहीं था तो ये हकीकत है बस आप लोग जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं है। आप लोग आमीन, आमीन आप आते रहे भाई और ये जो आप रियल रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं ये तो सबके घर में और एज स्माइली सबको ही पता है और हम रिवर्ट रह चुके हैं तो हमारे घर की आप बीती है और बिल्कुल अल्लाह पाक आपकी वालदा को आपके तमाम अजीज वक़ारब को हिदायत दे दे और अल्हम्दुलिल्लाह आप तो माशाल्लाह अल्लाह की रोशनी अल्लाह की इस्लाम के अंदर आ चुके मौलाना कासिम से खसूसी गुजारिश करेंगे की आपकी वाला के लिए और बाकी तमाम आपके घर वालों के लिए दुआ करेंगे ठीक है अल्लाह तबारिक वाई के वालदा को दे, उनका सीना इस्लाम के लिए खोल दे इनके अलावा हमारे जितने अजीज वकारीब है मामू चा पियाँ खाला सारे अभी तक इसी रास्ते में नादानी कमी कम, जहालत की वजह से पड़े हुए अल्लाह तबारक वा कोदायत देना वो तो कोई वो नहीं है जरा सी बात पे ही रुख मोड़ देता है तो हम दुआ ही कर सकते अल्लाह से दरखास्त ही कर सकते कि अल्लाह ताला उनको सबको भी हिदायत दे जहाँ जहाँ इस्माइली बरदरी हमें सुन रही है या नहीं सुन रहे अल्लाह तबारक वाली सब को कुरान हदीस अल्लाह की जो ओरिजिनल किताब है इसकी तरफ लाए उनको उनको सीने को खोल दे हकीकत उन पर वाज आशार फरमा दे हम सबको हिदायत पर मुस्तकीम राय पर कायम फरमाए मरते वक्त कलमा तय नसीब फरमाए हमारा हशर नेक लोगों के साथ मुत्तकीन सालहीन सिद्दीकीन अम्बिया शुहदा के साथ फरमाए आमीन यार खैर आप सबका आखिर में चंद बातें हमारे जो भाई सैम है वो कुरान की आयतें मुसलसल कॉपी पेस्ट कर रहे हैं अल्लाह पाक आपको इन्हीं कुरान की बरकत आयत के तो मेरी दिल से दुआ है कि आपका दिल खोल दे ईमान पे आपको ले आए आप इसी तरह हमारे साथ कभी इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ जाए मेरी दिल से आपके लिए दुआ है बाकी हजरात के लिए जो है वो एक गुजारिश बहन बहन की तरफ से कि आप सब हमारे प्रोग्राम्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें हमारी जो मेहनत जो हमारे मौलाना कासिम ने डेढ़ घंटा बात की है हमने इस प्रोग्राम को तरतीब दी आपके सामने लाए हमारी सिर्फ इतनी मदद कर दीजिए कि ये आगे अपने अजीज वकारीब में इस्माइली बरदरी में इस्माइली कम्युनिटी में इसको शेयर कीजिए क्या पता कि हमारी कौन सी बात उनके दिल पे लग जाए जरूर शेयर कीजिए अल्लाह अल्लाह तला तला आपको इसका जजाय खैर अदा करेंगे हमसे जरूर जुड़िए नए रिवर्स जितने भी हैं वो हमें ज्वाइन कीजिए हम इस कार्य खैर में अकेले नहीं हमारे साथ और भी कई लोग जुड़े हैं हम चले थे सिर्फ तीन लोग और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे पास यार्ड में भी जगह नहीं होती माशाल्लाह ग्रुप्स भर चुके हैं अल्लाह का करम हुआ हम सब जो है वो एक बड़ी एक जमात बन के आपको करेंगे। हमारे साथ जरूर जुड़िए अगले हफ्ते क्योंकि अब हमारे प्रोग्राम जो है वो सैटरडे को होगा ए तो इनशाला अगले हफ्ते को आपके साथ एक नए पैगाम के साथ आपके सामने आएंगे अपनी दुआ में याद रखिये असल वरहमत लाही वरक